सोच लो अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं किसी और को नहीं पसंद करती। साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा ली है तो मेरी जान उन्हें सिर्फ ख्वाब समझ कर भूल जाना। साइम तो निकाह करके अमेरिका चला जाए। अगर रुखसती से पहले पहले वेदा ने साइम से तलाक का मुतालबा खुद ना किया तो मेरा नाम भी नसीमा है। दुल्हन का किस्ता ही छोड़ जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दे सकता। मार डाल इसको। अकरम जी बेगम साहब नाश्ता रेडी है? जी बेगम छोटे भाई का नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दिए कमरे में। मैं बताती हूँ। अकरम भाई साइम का नाश्ता आप कर लीजिएगा क्योंकि अम्मा ने उनके लिए पराठे बनाए। अरे कैसे हवा के घोड़े पर दंद दनाती हुई आई हो? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही यहाँ पे, ना सलाम ना दुआ, इस घर में सिर्फ साइम रहता है। सॉरी दाईजान, मैं अभी आपको सलाम ही करने वाली थी। सॉरी की बच्ची। साइम अपने बाबा के साथ एक मीटिंग में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो नाश्ता शायद नहीं करेगा। नहीं नहीं आज टाइम है। हाय। बाबा की कॉल नहीं है? मुझे आ गई थी, मीटिंग कैंसिल होगी, मैं फ्री हूँ आज। भूख भी बहुत लग रही है। पराठे बने? कीमे के पराठे। कीमे के? तो चलो ना खाते हैं। आए चलो। ये ज़ैनब भी ना सिर्फ तुम्हें ही मजे मजे के पराठे खिलाती हैं, मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया। शिकवा करूंगी मैं उनसे। क्यों नहीं करती? इनवाइट क्यों नहीं करती? वो आप लोग ऐसी चीजें खाते नहीं है ना ताईजान, लेकिन अगर आपको खाने तो मैं अभी गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ। अरे नहीं मुझे नहीं खाने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। साइम गर्मा गर्म पराठे खाकर फौरन अपने बाबा के पास चले जाना, फजूल की बातों में लगकर टाइम मत जाया करना अपना। जी चलें गरम गरम पराठे खाते, बहुत भूख लग रही है। अच्छा वो पराठे बना दिए चाची जान ने। क्या पराठे बना दिए चाची जान भी? रिदा हमने अंडे तो लिए ही नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इसका बिल करवाओ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। सॉरी मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी फौरन अंधे हो जाते हैं। इडियट। चलो जब अचानक खूबसूरत लड़की सामने आए ना तो बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है बंदा। रिलैक्स हो जाए यार, ये यार ये आना जरा साफ करना। चलो वो ब्रेड वगैरह ले ले अपने। चलो तुम्हारी नजरों में हमेशा शको शुबात क्यों होते मेरे लिए? रिदा तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया? वो सब ठीक है साहब, लेकिन मैं इस तरह सबसे छुपकर आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। ओके ठीक है, बस सोच लो,
सोच लो अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं किसी और को नहीं पसंद करती। सच? सिर्फ मुझे पसंद करती हो। मैंने अपने तरीके से तुम्हें प्रपोज कर दी, तब आगे तुम्हारी मर्जी। इसको अपने आप से जुदा नहीं करोगी तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। कल अम्मी पापा आएंगे, चाचा जान से बात करेंगे और फिर आए जी, आए, आ जाओ। रिदा, बेटा तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाओ तुम चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। मुझे पूरा यकीन था भाभी आपकी और जावेद भाई की बात ये कभी नहीं टालेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बेहतरीन मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आप सबने घेर लिया है ना मुझे आज, और मुझे खुद से दूर करने का वादा किया और खुश हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। हकीकत तो ये है कि हम में से कोई भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालदेन को दूर रहना पड़ता है। ठीक कहा आपने। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है मुझे मुल्क बदर करने का तो मैं क्या कह सकता हूँ। पर मेरी एक शर्त है पापा, वो शर्त पूरी होगी तभी जाऊंगा। आपको याद है ना, आज आपने प्रॉमिस किया था। हाँ भाई याद है मुझे, तुम मुझसे कोई डील करने वाले हो। डील? कौन सी डील? अरे अरे कुछ नहीं भाई, बाप बेटे की आपस की बात है, आपको भी बता देंगे। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आप मेहमानों का मुंह मीठा करवाइए, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। बेटा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, चाय मुंह मीठा करवाइए सबका। अभी मैं मीठा लेकर आती हूँ, मुझे लगता है रिदा ने चाय भी बना ली होगी। अभी आए साहिम जी। देखो बेटा, ये 2 साल यूं गुजर जाएंगे और तुम डिग्री लेके वापस भी आ जाओगे। 2 साल चाचा जान, चल देख। आज तो कसम से मैं इतनी खुश हूँ जिसके इंतहा नहीं है। एक बार साइम अपनी स्टडी कंप्लीट करके अमेरिका से वापस आ जाए तो मैं तो उसकी फ़ौरन से पहले शादी कर दूँगी। दादी बनने का बहुत शौक है मुझे, फिर अभी दिल चाहता है मेरे घर में रौनक हो। बड़ी खूबसूरत रिंग पहनी हुई है, कहाँ से ली? साइम ने तो नहीं दी? यकीनन साइम ने दी होगी, इतनी खूबसूरत चॉइस तो साइम की ही हो सकती है। देखो बुरा मत मनाना। खानदान की लड़कियां चाहे लड़का घर का हो या बाहर का, मुझे तोहफे तहाइफ नहीं लेती। तुम तो अच्छी बच्ची हो, खानदानी हो, तुझे ये तवक्का नहीं थी। बुरा मत मनाना, बेटी समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। और सुनो, अगर तुमने जाने अनजाने में
साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा ली है तो मेरी जान उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। What a run, what a run that. यार आज तो थक गए। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपको याद है ना मैंने कहा था कि एक शर्त है मेरी, वो पूरी होगी तभी जाऊंगा मैं। I see. लेकिन बेटा अभी तक तुमने मुझे वो बात तो बताई नहीं कि तुम मुझसे क्या मनवाना चाहते हो। मैं शादी करना चाहता हूँ अमेरिका जाने से पहले, तो यही बात है। आई सी। तो क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जी। अच्छा, तो फिर जल्दी से अपने पापा को उस लड़की का नाम भी बता दो। रिदा। पापा मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ और यही मेरी शर्त है, उससे शादी होगी तभी अमेरिका जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा पापा। रिदा। जी एग्जैक्टली रिदा, और कौन रिदा। तो तुम भी रिदा को ही पसंद करते हो। देखो बेटा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, मेरी भी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि रिदा बेटी इस घर की बहू बने, और देखो सो लकी कि तुम भी उसे पसंद करते हो। एंड सो हैप्पी। यस। एक कंसर्न है छोटा सा। वो क्या बेटा? शायद मामा और फरिया अभी दे माइट से नो। तो फॉरगेट अबाउट इट माय डियर सन। तुम रिदा को पसंद करते हो, मैं चाहता हूं वो इस घर की बहू बने, दैट्स इट। मैं खुद ही तुम्हारी मामा से बात कर लूंगा, डोंट वरी। चल इट। रियली? हाँ, चलाओ जूस पीते हैं चल के। कम ऑन, हरी अप। इसको इस दबा के रखिएगा, आप अंदर वेट करें। आ जाओ कुछ नहीं होता, एक खून की बोतल तो हर इंसान डोनेट कर सकता है। मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। आप डॉक्टर हैं? जी जी जी, पिता का शुक्र है। आइए आइए, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। अरे आई मीन आपका ब्लड ग्रुप वगैरह। मुझे मेरे ब्लड ग्रुप का पता है, मैं हर साल डोनेट करती हूँ। ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता है? नहीं, मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी हम पता लगा लेते हैं। आए बैठे, चेक करते हैं। नहीं नहीं, इससे तो दर्द होगा। इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप परेशान मत हो, ये पिन जो ना आप मेरी उंगली पे रखें। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अच्छा चले चले, मैं ट्राई करता हूँ। इसमें उंगली रखें, जल्दी से रखें। ये लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको दबा के रखिएगा। कितने बुरे हैं आप। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं फिगर आउट कर लूंगी। आप प्लीज अंदर वेट कर लें। डैनियल बेटा, लगता है बहुत बिजी हो गए तुम। तुमने तो घर आना ही छोड़ दिए। नहीं नहीं, वो बस आंटी हाउस जॉब शुरू हो चुकी है तो जरा वक्त कम मिलता है। मम्मी सुन रही है आप इसके बहाने? चलो हाउस जॉब जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर तो आया करोगे ना? बिल्कुल। फिर तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा। ये शहनाज भाभी बता रही थी कि पार्ट वन के लिए अमेरिका चले जाओगे तुम। ये भी अच्छा है, ये हमारे सिकंदर की तरह पहले आला तलीम हासिल कर ले और फिर अपना क्लिनिक खोल ले। सही कह रही हैं, लेकिन क्लिनिक नहीं, हम हॉस्पिटल खोलेंगे और आयजा मेरा साथ देगी।
हॉस्पिटल खोल ले बेटा। ऑलवेज। आयशा बेटा, चाय वगैरह का इंतजाम करवाओ। नहीं नहीं, देखिए आंटी, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगा। हाँ, खाना मैं खाऊंगा। यार, मैं अरेंज करवाती हूँ। लो भाई, दुल्हा मियां भी आ गए। आओ साईं, चचा जान के पास बैठो। बैठो बेटा। भाई, मेरा बरसों का ख्वाब था, मगर मैं डरता था कि कहीं इसकी ताबीर उल्टी ना हो जाए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी हुई। मैं रिदा को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक चाय नहीं बनी। अल्ले भाभी, वो मेरी बेटी भी आ गई चाय लेकर। ये लो बेटा, साथ में केक भी है। वाह भाई वाह, यकीनन ये केक रिदा बेटी ने ही बनाया होगा। क्यों रिदा? जीत आया अबू। आओ बेटा मेरे पास बैठो। लो भाई जावेद, जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। जुम्मे का दिन? भाईजान, जुम्मे में तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, बहुत जल्दी है। रिदा बेटा, वैसे तो तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन जब भी मैंने साईं की दुल्हन के बारे में सोचा तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा आया बेटा। और मुझे ये लगता है कि मेरे बुढ़ापे में जो बेटी मेरी दिल से खिदमत करेगी वो तुम ही हो। तो बेटे, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? सीधा है अब्बू, जैसे आपकी और बाबा की मर्जी। मुझे लगता है मैं किचन में कुछ भूल आई हूँ, मैं अब भी लेकर। लो भाई जावेद, मुबारक हो। खैर मुबारक। लाएं जी, मुंह मीठा करवाइए, अब तो बनता है। पता नहीं आज कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही है, तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए। खाने खाए जा रहे होंगे चची के बनाए हुए, और तारीफें हो रही होंगी। नहीं बेटा, खाने नहीं खाए जा रहे, आज मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। Congratulations everyone. क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। देखो नसीमा, मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर एक फैसला कर दिया, लेकिन किया इस एतमाद और मान के साथ है कि तुम ना सिर्फ उस फैसले को कबूल कर लोगी बल्कि हमेशा की तरह मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। देखिए सईद, मैं हमेशा आपकी खुशी में खुश हुई हूँ। आपके फैसले के साथ मैंने कभी इख्तलाफ नहीं किया। आपने जो भी फैसला किया है सर आंखों पर। बाबा प्लीज, इतना सस्पेंस क्रिएट ना करें, बता दें क्या फैसला करके आए आप। देखो, मैंने ये फैसला किया है कि साईं और रिदा का निकाह इसी जुमे को कर दिया जाए। व्हाट? पापा, ठीक फैसला किया ना? जी।
आप कोई फैसला गलत कैसे कर सकते हैं? मामा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप कर क्या रही हैं, प्लानिंग क्या आपकी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा था कि रिदा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, तो अभी तक आपकी बड़ी सगी बन रही है। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं, रिदा इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। दो दिन रह गए उनके निकाह में, नहीं आप किस खुशफहमी में? मेरी जान, ये निकाह सिर्फ साइम की जिद की वजह से हो रहा है। साइम तो निकाह करके अमेरिका चला जाएगा और रिदा ने तो यहीं रहना है। फिर तुम देखना मैं रिदा के साथ करती क्या हूं। अगर रुखसती से पहले रिदा ने साइम से तलाक का मुतालबा खुद ना किया तो मेरा नाम भी नसीमा है। जरूरत थी इतनी फजूल सी बात पे साइम का साथ देने की? देखो ये उसका हक था और बिल्कुल जायज बात थी। तो जायज बातों को मनवाने के लिए वालदैन को यूं जलील किया जाता है, ऐन वक्त पर तमाम रिश्तेदारों के सामने ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उसने निकाह के साथ रुखसती लेनी थी तो पहले बताता, हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करते, ये कौन सा तरीका है? ये तो शुरू से ही ऐसा है, जज्बाती और अचानक फैसला करने वाला। लेकिन बेगम तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसकी दुल्हन भी उसने रुखसती ले ली। उसने रुखसती करवाई, आपने हमेशा ऐसे ही उसी का साथ दिया, इसलिए वो बिगड़ा है। देखिए आंटी आप बिल्कुल नाराज मत हो, इसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होगी, और वैसे भी साइम अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहा है, आप उसकी खुशी में खुश हो जाए ताकि तो दिल बुरा ना हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब आराम करूंगी। हाँ बेटा तुम जाके आराम करो। लेकिन आंटी पहले आप प्रॉमिस करें कि आप साइम से खफा नहीं होंगे। बेटा ये भला साइम से क्यों खफा होंगी? साइम की खुशी नहीं तो हमारी खुशी है, क्यों बेगम? अरे बेटे मैं साइम से खफा नहीं हूँ, बस परेशान हूँ, ये सब अचानक। एक्चुअली मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, पर ना ये दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। चलो बेटे अब आप भी जाकर आराम करें, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे घर के हर मसले को आप अपना मसला समझकर उसकी फिक्र करते, थैंक यू। अंकल ये मेरा अपना घर है और मैं भी साइम की तरह ही आपका बेटा हूँ, बस आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। हद हो गई। चलो बेगम अब गुस्सा धूप भी दो, इकलौता बेटा है हमारा, क्या हो गया? ले आया दुल्हन अपनी, उसको आपने बिगाड़ा है। अच्छा चलो अब बिगाड़ दिया ना तो खुश हो जाओ, घर में बहू आई है।
खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए, इसमें हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। तुम्हें अपने हाले दिल बताऊंगा और तुम्हारा सुनूंगा। कितना खुशबख्त हूं मैं कि मुझे तुम मिल गई। मैं भी बहुत खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे आपका साथ अता किया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करूंगा। तुम्हें देखूंगा तो करूंगा, तुम्हें चाहूंगा तो करूंगा, तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा तब करूंगा, तुम्हारी जुदाई में रहूंगा तब भी करूंगा। तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, एक मिनट। ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस तुमने खरीदने से मना कर दिया था कि बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें मैं हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हर लम्हा धड़कता रहूं, ताकि तुम एक पल के लिए भी मेरी याद से गाफिल ना रहो, मेरा कब्जा रहे तुम्हारे दिल पर। कितने फिल्मी हैं आप। वो इसलिए कि फिल्में मोहब्बत की कहानी पर बनती हैं, है ना? टूट गया। सॉरी, मैं बनवा दूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं ऐसे ही से अपने पास रख लूंगी। सुबह होते ही बनवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। ये लो, ये रिदा की ज्वेलरी है, संभाल कर लेकर जाना। प्रिया यहीं भूल गई। आप ही कब गई हैं? अरे वो साथ ही तो गई थी। अरे वो भी तैयार होगी, तुम्हारा इंतजार कर। अजीब सा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अच्छा जल्दी से जाओ इससे पहले कि बारिश शुरू हो। आज आसमान भी खुशी मना रहा है मेरी शादी की, आप ऐसी फिक्र मन हो रही। अरे अल्लाह, मैं सदके जाऊँ, खुशियां तो हम भी मना रहे हैं तुम्हारी शादी की। ख्याल से जाना, ड्राइव अच्छे से करना। अच्छा चल। अच्छा सुनो, इधर अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। आपकी दुआएं जो है मेरे साथ। Hello, please. Hello. Janishika, हाँ रिदा, तैयार हो गई हो क्या? मैं तो कब की तैयार हो गई हूँ, आपका वेट कर रही थी मैं। अच्छा, बस रास्ते में ही हूँ, पहुँच रहा हूँ। जल्दी आ जाएं, फरिया आप ही भी नाराज हो रही हैं। यार क्या करूँ, ट्रैफिक है, आ ही रहा हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, बस ख्याल से आइएगा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। ये दादा, इतनी देर लगा दी। हाँ रश था दादा। वो देखो, हमारी पार्टी का इंतजाम हो गया। चलो तुम भी जरा इसी तरफ।
यार क्या। मैम क्या हुआ आपको, आप परेशान दिख रही हैं। कुछ दूँ आपको, पानी ला के दूँ? नहीं मैं ठीक हूँ। ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये एडवेंचर हो रहा है, अभी देखता जाके क्या होता है। वायलिन निकाल, मैं दे रहा हूँ इसके साइड पे रखो, मैं दे रहा हूँ, जल्दी कर, मैं दे रहा हूँ इस साइड पे रखो। सैम कौन है, कौन लोग हैं वो? मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, ये साइड पे रखो, ये साइड पे रखो, मैं दे रहा हूँ। घड़ी जल्दी कर, ये लो घड़ी भी लो। ठीक है, पता नहीं कोई लोग है, कोई शायद कोई स्नैचिंग कर रहा है, पता नहीं, मुझे सैम कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो, सब हो गया? वो देखो उधर, तो देखो जल्दी करो। ठीक है, सब है, ठीक हो गया? हो गया, वो भी दे, जल्दी करो, वो भी दे। नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये क्यों नहीं दे सकता? जल्दी कर, क्यों नहीं दे सकता? इधर दे, उधर दे, ये नहीं दे सकता, जल्दी कर, ये नहीं दे सकता। मेरी दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। साइम दे दो, साइम दे दो, जो कुछ है वो दे दो, प्लीज प्लीज, जो कुछ भी है वो दे दो, वो जो मांग रहे हैं दे दो। जल्दी करो, ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दे सकता। चल ये नहीं दे सकता, जान तो दे सकता ना। मार गोली इसको। क्या हुआ था? तो गोली लगी। मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। फिकर करो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। राफिया मैं एक क्या मेरे को हार्ट अटैक? रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। चलो हिम्मत करो, हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, पहुंचना है। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है, वो तुम्हें ले जाएगी। तुम बस उठे रहो, उठे रहो, बस आंखें खोली रखो अपनी। वो आ रही है तुम्हें ले जाएगी, मैं बल्कि एम्बुलेंस में कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, I'm sorry, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। I'm really sorry, मेरे दोस्त। I'm so sorry. एम्बुलेंस आ जाएगी, फिक्र मत करो। जागे रहो। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। बाबा, सैम आ गया, सैम आ गया बाबा। छोड़ के चला गया, अब वो
कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद क्या वो न्यूली मैरिड था? ओह माय गॉड, खुदाए मुझसे क्या हो गया? अगर मैं उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता उस वक्त तो शायद वो बच जाता। या अल्लाह, मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये लापरवाही कैसे कर बैठे? क्या हो गया मुझे? साइम, तुमने तो कहा था कि सारी दुनिया के फूल मेरे कदमों में बिछा दोगे। फूलों की चादर हो, फूलों की चादर तुमने खुद की ओढ़ ली। सब बोले ना, सब तो बोलते क्यों नहीं? तुमने तो मुझे खुशियां देने का वादा किया था ना, सारी दुनिया जानेगी खुशियां। तुमने वादा किया था कि हम हर दिन का सूरज अपनी मोहब्बत के साथ शुरू करेंगे ना। आँखें खोलो ना, देखो ना मुझे, इसने वादा किया था। साइम, साइम, इन सबको बताओ कि ये सब झूठ समझ रहे, ये सब गलत समझ रहे। तुम बिल्कुल ठीक हो साइम, मेरी तरफ देखो। मैं रो रही हूँ, तुमने मुझे खुशियों का वादा किया था ना, प्लीज सर उठो ना, सर उठो ना। अंकल, जनाजे का वक्त हो गया। आजे बाबा की बहुत ख्वाहिश थी कि तुम एक बहुत बड़े अच्छे सर्जन बनाओ और अपनी हायर स्टडीज के लिए तुम अमेरिका जाओ। अगर बाबा की यही ख्वाहिश थी तो मैं बिल्कुल पूरी करूंगा, जाऊंगा मैं। अरे वाह, शून लगता है कि तुम बिल्कुल तैयार ही बैठे थे अमेरिका जाने के लिए। लगता है कि यहाँ से फरार होने के रास्ते ढूंढ रहे हो तुम।
मैं क्यों फरार होना चाहूंगा अम्मी, मैं कोई चोर या कातिल थोड़ी हूँ। खैर, चोर और कातिल तो आप हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया मैंने किसी का। भाई, आयशा का दिल चुराया है आपने, और अब जो आप उसके अरमानों का कत्ल कर रहे हैं वो तो पागल है। और तुम्हारी कसम, मैंने उसको कभी भी दोस्त से बढ़कर नहीं चाहा। प्लीज समझाओ उसे। मैं फिलहाल तो उससे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे माफ करें, मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और अम्मी को बहुत पसंद है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी इंगेजमेंट कर दें। आपकी स्पेशलाइजेशन ख़त्म होने तक तो क्या, वो आप कयामत तक भी इंतज़ार कर सकती है। नहीं, मैं किसी को लटका नहीं सकता। प्लीज अम्मी, सॉरी। क्या हो गया इसको? साफ कर रहा था तो डिक्की से ये कोट मिला है, इस पे बहुत से दाग हैं, लगता है खून है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा, अगर आप कहें तो मैं ड्राई क्लीन के लिए दे आऊं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप जाएं। ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। सही साहब, अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर, दम घुटता है मेरा। हालत तो मेरी भी ऐसी ही है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम? फरिया की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती। फरिया की वजह से फराज भी बहुत परेशान है। वो तो कह रहा था कि मैं फरिया को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फ्रिया के सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? मैं तो कहती हूँ हमें भी फ्रिया के साथ वहाँ चले जाना चाहिए। अमेरिका? हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर साइम के बगैर मुझे काट खाने को दौड़ता है। धागे वास्ते सही साहब, मैं यहाँ रहूंगी तो घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे हर तरफ मेरा साइम नजर आता है, उसकी आवाजें सुनाई देती है। नहीं नसीमा, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा भी तुम्हारे और फरिया के अलावा है ही कौन? मैं फराज बेटे से बात करूंगा, वो अपने साथ साथ हमारे भी अमेरिका शिफ्ट होने का बंदोबस्त करे। और ये घर? इसको हम रेंट आउट कर देंगे। रेंट आउट क्यों? हम सेल क्यों नहीं करके जाते? हमने कौन सा दोबारा यहाँ आकर रहना है? और फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा? अगर हम रेंट पर भी देंगे तो कल को किराएदार मालिक मकान बन बैठे तो हम क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं किसी स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। चलिए, तो फिर मैं ये उम्मीद रखूं कि आप ये घर जल्दी सेल करवा देंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैं ऊपर वाला पोर्शन भी देख सकता हूं? ऊपर वाला पोर्शन भी सेम ही है। एक नजर देख लेता तो अच्छा था। चलें, जब आप कोई पार्टी लेकर आएंगे तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। जरूर। थैंक यू। भाईजान, आपने घर बेचने का फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने ये जरूरी नहीं समझा। आप ये सोचे, अब ये घर बेचकर चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा?
देखो, इस घर को बेचने के बाद तुम्हें एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और तुम उस रकम से किसी मुनासिब जगह पे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हो। अनजान जगह और जवान बेटी के साथ? मैं भी तो एक अनजान मुल्क में अपनी बेटी के साथ ही जा रहा हूं। देखिए भाई, आपके पास तो फराज है, अल्लाह उसकी जिंदगी रखे, वो आप लोगों का ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन मैं अपनी जवान बेटी को लेकर किसी अजनबी जगह पर कैसे रह सकूंगा? अगर रिदा की नहुसत साइम को ना खा गई होती तो आज साइम भी मेरे साथ होता। कि ना हो सकता आ जाएं जनाब, आ जाएं। वैसे आपने आते आते एक नजर अच्छी तरह देख तो लिया था भाई, कोई कीमती चीज तो नहीं रह गई ना? मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो वो यादें हैं जो इस घर से वाबस्ता है, बस वही नहीं समेट पाए। और तो ऐसा कुछ कीमती सामान नहीं था मुझ गरीब के पास। अल्लाह आपके नसीब में इससे अच्छा घर करे। आमीन इंशाल्लाह। चले जनाब, चलो रीता, चलो बेटे, चल बेटे। आया जान, अम्मी ये आपके लिए चाय। थैंक यू बेटे, इधर रख दो। मुझे ये बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ बेटा, मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लिए परेशानी होंगी तो किसके लिए होंगी? अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई को फोन किया था? जी मैंने फोन किया था और मेरी बात भी हुई थी, वो आपका पूछ रहे थे। तुमने कहीं उसको मेरी बीमारी का तो नहीं बता दिया? अब जाहिर सी बात है मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी, मैंने तो उन्हें साफ साफ बता दिया कि आपके जाने के बाद तो अम्मी बिस्तर के साथ ही लग गई हैं, आपकी जुदाई और उदासी ने तो उन्हें बीमार कर दिया। किस कदर फजूल बातें करती हो तुम, वहाँ परदेश में अकेला बैठा बेचारा, परेशान करके रख दिया होगा उसको। अच्छा ये बताओ कि दानियाल के वापस आने में कितने दिन रह गए हैं? अम्मी भाई को गए हुए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ चलो ये वक्त गुजर गया है तो बाकी का भी गुजर जाएगा, लेकिन छुट्टियों पे तो आएगा ना? जाहिर सी बात है अम्मी, जब भी भाई को छुट्टी मिलेगी सबसे पहले वो आपसे ही मिलने आएगा, तसल्ली रखें। पता है इस दफा जैसे ही वो छुट्टी पे आएगा ना, मैं आयशा के साथ उसकी मंगनी कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए आके नाश्ता कर ले, रेडिए। नाश्ता नहीं करूंगा, बस सिर्फ चाय दे दे। क्यों, नाश्ता क्यों नहीं करेंगे? रात से तबीयत कुछ भारी भारी सी महसूस कर रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे सीने पर बोझ हो। आपकी आपके सीने में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं दर्द नहीं हो रहा, बस जरा सी घबराहट है। फोन हाँ वजाहत, क्या खबर है, क्या बना हमारी कंसाइनमेंट का? क्या अच्छा, मैं आ रहा हूं।
क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है? शायद कुदरत को कुछ और इम्तिहान मंजूर है। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना, मैं कितने महीनों से इस कंसाइनमेंट पर मेहनत कर रहा हूं। हमारी ये कंसाइनमेंट भी रिजेक्ट हो गई। हाय अल्लाह, मगर क्यों, कैसे? कोई वजह तो होगी ना? मैं आकर तुम्हें बताऊं। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइएगा। हाँ प्लीज, परेशान मत हो, रोना तो बंद करें, बाबा आ जाएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दा, बहुत घबरा रहा। तुम्हारे बाबा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ, आज बाबा आएंगे ना तो मैं उनसे साफ साफ बात करूंगी। या तो वो मुझे अपने साथ बिजनेस करने दे या फिर जॉब की इजाजत दे दे। अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो बात कर लेना उनसे। अच्छा सुनो, जाओ जाके नमाज की तैयारियां करो, दुआ मांगो। हाँ माँ, शायद तब तक बाबा भी आ जाए। तुम जाओ वजू करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। बाबा का फोन है। हेलो हेलो जी, वजाहत साहब, हेलो, कहाँ रह गए आप जी? क्या, कहाँ, किस हॉस्पिटल में, क्या हुआ है? हार्ट अटैक जी? जी बहुत बहुत शुक्रिया माँ। तुम्हारे पापा को फिर से हार्ट अटैक हुआ है। दीदा, दीदा चलो चलो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो बेटा, अभी चलो, आज हम हॉस्पिटल चलते हैं। ध्यान से बाबा कैसे हैं? हाँ वो ठीक है बेटा, ठीक है, शुक्र अल्लाह। बात कर रहे हैं वो, मेरी बात करवाए ना उनसे। नहीं दादा, वो ठीक तो है मगर डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया। अच्छा अच्छा, मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ? नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ लेकिन बाबा हॉस्पिटल में हैं, उनको मेरी ज़रूरत होगी ना? नहीं बेटा, उनकी ज़रूरत है पूरी करने के लिए अल्लाह है ना, बस तुम दुआ करो। अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और देखो अपने कमरे में ही बैठी रहना, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें। हेलो, क्या हुआ? हार्ट पेशेंट है? अच्छा, इमरजेंसी है, मैं आता हूं, तुम लोग इन्हें फर्स्ट एड दो। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ सिकंदर, इमरजेंसी है क्या? मम्मी, हम डॉक्टर्स भी फौजियों की तरह होते हैं, हर वक्त जिहाद हमारा मुंतजर रहता है।
बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा। दो घड़ी तुम्हारे पास बैठकर बातें करने को तरस गई हूँ मैं। जब से अमेरिका से वापस आए हो ना, बिजी चल रहे हो, हॉस्पिटल की होके रह गई हो। अरे मम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? आज रात को घर वापस आऊंगा ना, फिर आपके साथ बैठकर जी भरकर बातें करूंगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक बेटा। चले, ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज़। जीते रहो बेटा। ओके बाबू। बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी पसंद के खाने बनवाती हूँ, फिर इकट्ठे मिलकर खाएंगे। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सुने, डॉक्टर सिकंदर कहाँ होंगे? जी वो आईसीयू में हैं। ओके, थैंक यू। आपके हस्बैंड की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी स्टेबल हो जाए, लेकिन हमें उनका बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास कब करना होगा डॉक्टर साहब? जी जितनी जल्दी हो सके। आई मीन हॉस्पिटल के चार्जेस और सर्जन की फीस जमा करवा दें ताकि हम सर्जरी स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, चार्जेस क्या होंगे? आप इन रिसेप्शन पे ले जाओ, ये सारा प्रोसीजर है। जी भाई। आयजा तुम? जी मैं। आपने ही तो कहा था आज डिनर करेंगे। अब घर पे मम्मी पापा रेडी बैठे हैं। सॉरी आयजा, मैं भूल ही गया था। तुम एक काम करो, मम्मा को कॉल करो और उन्हें बोलो घर पे डिनर अरेंज कर ले, थोड़ी सर्जरी में टाइम लग जाएगा ना। तो भाई हमेशा। सुनार इतने ज्यादा पैसे भी नहीं देगा। बैंक इतने पैसे तो निकाल लिए हैं, बैंक में भी 30-35 हज़ार से ज्यादा नहीं होंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मम्मी, ये भी तो है ना। अरे नहीं बेटा, बेटा ये तुम्हारे हैं। हाँ, मेरे लिए बाबा से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखते। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे सिर्फ मेरे बाबा चाहिए। ले जाए प्लीज। नहीं बेटा, ये तुम्हारी शादी का सेवर है, इसके अलावा हमने तुम्हें दिया ही क्या है। शादी? शादी तो अब कभी नहीं होगी मेरी। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? सब पैसेंजर्स बाहर आ गए, तुम ही नहीं आए। यार वो बैगेज आने में टाइम लग गया बस। और हाँ, वो सर्जन साहब कहाँ है हमारे? मेरे ख्याल में अभी तक तो फ्री हो चुका होगा। नहीं, वो आज किसी बहुत सीरियस बाईपास में फंस गए हैं। मुझे लगता है अभी तक हॉस्पिटल ही होंगे। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल चलते हैं। वैसे आंटी तुम्हारा घर पे वेट कर रही हैं। तो एक साथ ही चलेंगे ना सिकंदर को लेके? सब साथ चलेंगे। ठीक है, चलो। मेरे बाबा का ऑपरेशन। प्लीज ये मेडिसिन ले आप। मैं अभी ले आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। इसे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं गाउन और मास्क पहन के ना सीधा ऑपरेशन थिएटर में चला जाऊँ, अपने दोस्त की सबसे पहली इंपॉर्टेंट सर्जरी देखूँ, और फिर सर्जरी कामयाब होने के बाद ना तालियों से मुबारकबाद। जो उस वक्त उसका फेस एक्सप्रेशन होगा ना, वो देखने वाला होगा। वाह, बहुत ही फिल्मी सोच होगी तुम्हारी। लगता है वहां जाकर सस्पेंस मूवीज देखते रहे हो अकेले। क्या करूं,
अकेले में इंसान फिल्मों से दिल लगाता है ना, वैसे आई एम सीरियस। इम्पॉसिबल, तुम्हारी ये फिल्मी सोच यहाँ पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं पूरी हो सकती? आई एम अ सर्जन आफ्टर ऑल। जा रहा हूँ मैं। आंटी, अंदर से कोई खबर आई? आंटी आप परेशान ना हो, मेरे भाई भी अंदर ही हैं, बस आप टेंशन ना लो। आंटी रिदा कहाँ है? वो बेटा वजू करने गई है। भाई साहब तो ये दवाइयाँ अंदर पहुँचानी है। मुझे देना आंटी, मैं अभी देकर आती हूँ। आप परेशान हो, आप रेस्ट करें, मैं आती हूँ। जाकर सिचुएशन बताओ, कोई नहीं हमें कुछ बता रहा। ये रिदा के फादर हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। अंदर उन्हीं का ऑपरेशन हुआ है, बहुत परेशान है ये लोग। दानियाल जाओ ना, क्या पता भाई को तुम्हारी जरूरत हो। जावेद साहब को नहीं बचा सके, समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ बेटी को ये कैसे खबर सुनाऊं। और तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन खुदा की रजा के आगे तो किसी की चल नहीं सकती है। उनकी जिंदगी इतनी ही थी शायद। बेशक अल्लाह की रजा के आगे तो किसी की नहीं चल सकती, लेकिन उस लड़की की शादी के रात उसके मियाँ का मर्डर हो गया था, अब उसके भाग का इंतकाल हो गया है, वो दोनों माँ बेटियाँ भी वहाँ हो गई। अजीब सा मुझे फील हो रहा है, मैं ये न्यूज़ उनको जाके कैसे सुनाऊँ? जावेद साहब को नहीं बचा सके, प्लीज नो मोर। सिकंदर ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये दोनों बहन भाई अगर इसी तरह सोशल वर्क करते रहे तो इनकी अपनी जिंदगियां कैसे गुजरेंगी, किस तरह अपनी जिंदगियों को टाइम दे पाएंगे। अरे बेगम, जो दूसरों के दुख बांटते हैं अल्लाह उनके इसी में सुख लिख देता है। आप परेशान ना हुआ करें। लेकिन आज तो उन्हें घर पर होना चाहिए था, पता भी है घर पर मेहमान आए हुए हैं। नफीसा बहन, ये आपके कोई जानने वाले हैं आप जिनके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है हमें। दुख की कैफियत तो वैसे भी अजनबियों को एक कर देती है, अगर हम आप होती ना उनके सामने।
आपका दिल करता कि आप भी किसी तरह उनका गम बांट लें बस। अच्छा भाई, हॉस्पिटल में तो हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी की मौत होती रहती। अब डॉक्टर्स की ड्यूटी तो नहीं है ना कि मरने वालों की मैयतों को उनके घर छोड़ कर आए। आपको नहीं पता कि क्या कुछ हो चुका है उसके साथ। शादी के दूसरे दिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और अब उसके वालिद की, पता नहीं घर में कोई कमाने वाला है भी, कैसे गुजारा होगा। लोग अंदर नहीं आ रहे? नहीं आयजा, वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, मुझे सर्जरी करनी है। भाई दानियाल, तुम तो मेरे साथ चलो ना, सामान रखना है। हम चलो, जल्दी आना। कोई आया है? ऐसा कौन होगा? महल्ले में से ही कोई होगा। माँ आप बैठे, मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ, खोलती हूँ दरवाजा। कौन? आंटी मैं आयजा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी हमने सोचा आज का नाश्ता आपके साथ ही करते हैं। हाँ हाँ बेटा, आओ आज, आओ बेटा अब भी आओ। आंटी ये ले लें, मुझे दरअसल आप एक्सक्यूज करें, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल वापस। अच्छा बेटा, जी तेरा। कहाँ इतनी देर लगा? बस वो आंटी को दे ही रहा था। बता तो दो यार, एक पड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा चलो, मैं देखे आया, बस जल्दी आना। दानियाल जल्दी आना। आ जाओ यहाँ रह, आप बैठो। कौन? मैं दानियाल। ये एक बोल रही है। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। मेरा ख्याल है अब आपके पापा के साथ जिस टॉपिक पर बात होनी चाहिए वो आपकी और सिकंदर की शादी है। क्यों यार सब, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं एक फोन सुन के आता हूँ, एक्सक्यूज मी। आप क्या कहती है भाभी, अब बच्चों के बारे में कुछ सीरियसली बात कर लेनी चाहिए हमें?
नफीसा बहन, हम तो इसी मकसद से आए हैं। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शर्मा गई है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले दानियाल से बात कर लें। ये बेटा, दानियाल से बात करने की क्या जरूरत है? ये परसों से एक दूसरे को जानते हैं और आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में। दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। लाजमी नहीं कि जिससे आपकी दोस्ती हो उससे आपकी शादी भी हो सकता है कि दानियाल किसी और को पसंद करता हो। सिकंदर बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उमा, मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा मैं। आंटी प्लीज, आप एक दफा सीरियसली दानियाल से। क्या हो गया इस पागल से लड़के को? अजीब। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या आप वहां से क्यों चले आए? फोन करना था, एक इम्पोर्टेंट। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम वहां से क्यों चले आए। तो जानती हो, फिर पूछ क्यों रही हो? वजह दानियाल, हमारे बड़े वहां हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो मुंह फुलाए। क्यों कर रहे हैं हमारी शादी की प्लानिंग? क्या तुमने कभी शादी ही नहीं करनी? क्या मुझसे नहीं करनी? आइज़ा देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमारी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ अपनी इस दोस्ती को कॉम्प्लिकेट करें यार। दानियाल, तुम्हें मेरी दोस्ती अजीज है कि तुम्हें मैं अजीज नहीं हूँ? मेरी मोहब्बत, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए? ऐसा मैंने मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। मोहब्बत सोचकर नहीं होती दानियाल, सोचकर की भी नहीं जा सकती। मोहब्बत तो बस हो जाती है या फिर नहीं होती। दानियाल, तुम अपने दिल पे हाथ रखो और आंखें बंद करो। क्या बचना है ये? मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो। मुझे बताओ, मेरे बारे में सोचने पे तुम्हारे दिल ने कुछ कहा? क्या 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 सोचेगा ये? यही कि आई लव यू। बच्चा नहीं है दिल। बच्चा नहीं है या कच्चा नहीं है? ऐसा देखो, अभी अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना है ना। तो ये शादी अभी से मतलब? बहुत वक्त पड़ा है यार, अभी पूरी जिंदगी है हमारे आगे। सच बताओ दानियाल, क्या तुम मुझसे वक्त मांग रहे हो या दामन छुड़ा रहे हो? दानियाल, क्या तुम किसी और को तो नहीं पसंद करते? शायद। मान लो
तुमने मुझे कभी चाहा था ना कभी चाह सकोगे। मम्मी से कह दूं कि वो आइंदा हमारी शादी की कोई बात नहीं करेगी कभी। समझ के कि तुम अब कह रहे हो जुबां से कहूं कोई सुनता नहीं, क्या सजा दी मुझे क्या सबक है मिला मेरे मौला से मुझको यही है गिला। तो था मिला वो खो गया। अच्छा आंटी आप प्लीज मुझे बिला झिझक बता दीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगता इस तरह हम लोग रोज आ जाते हैं? अरे बेटा बुरा क्यों लगेगा, तुम लोगों के आने से तो अपनायत महसूस होती है, हमें भी लगता है कि हमारा कोई अपना है। आंटी रिदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बेटा वो किचन में है, शायद चाय बना रही है। तुम लोग बताओ चाय पियोगे या ठंडा? आंटी मैं तो चाय लूंगी और वो भी मैं रिदा के पास जाकर खुद ही बना लेती हूँ। अरे बेटा किचन में कहाँ जाओगी, बहुत गर्मी है। नहीं नहीं आंटी क्या हो गया, गर्मी तो हर जगह है, हमारे घर पे भी बहुत गर्मी थी। अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। जी वैसे भी मैं रिदा से भी मिल लूंगी, आप भाई के पास बैठे ना। अरे आप यहाँ क्यों आ गई, मैं चाय भिजवाने ही वाली थी। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उदासी कैसी? बस ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर कभी कोई मेरी बहन होती तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती। ऐसी होती क्या मतलब? मैं भी ना अल्लाह से यही गिला किया करती थी कि मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, लेकिन अब देखो अचानक से तुम मिल गई। अल्लाह भी ना बहुत सरप्राइजेस देता है इंसान को। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो फिर बस अब से ये तकल्लुफ खत्म, अब तो हमारी बहनों वाली दोस्ती होगी। मैं कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करेगी और जो लड़ेगा वो ही पहले मनाएगा। डन डन आओ फिर चाय। अब मैं तुम्हें उदास ना देखूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आयजा मैं रिदा बात कर रही हूँ। हाँ रिदा बोलो, खैरियत? हाँ बस वो ज़रा सा मशवरा करना था तुमसे, मैं दरअसल जॉब के लिए आई हूँ। जॉब? हाँ एक स्कूल में असिस्टेंट की जॉब के लिए आई थी मैं यहाँ पर अपनी सीवी लेकर। मैं चाह रही थी अगर तुम भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा रिदा वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? चाहती तो थी कि सायम के साथ एमबीए करूं, मगर खुदा को जो मंजूर, फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है मैंने। ओह ये तो बेस्ट हो गया। रिदा तुम्हें किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। अपना काम? हाँ अपना काम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ?
बल्कि मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचकर सब तफसील से बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। दानियाल, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। काफी दिनों से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम उलझे उलझे हो। बताओ मुझे, बताओ भी क्या बात है, क्यों छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? शेयर करो मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, बस मेरा यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। क्यों, किसके लिए भाई? किसी के लिए। कौन है बताओ तो। अरे दानियाल, सीधे सीधे उसका नाम लो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही। बता ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे शेयर कर सकता है। रिदा, रिदा, रिदा वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, रिदा ही वही लड़की है जिसे पहली दफा तुमने देखते दिल दे दिया है ना? हाँ। तो प्रपोज क्यों नहीं किया उसे फिर? कैसे प्रपोज करते हैं यार, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी तब, वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी, तो मैंने समझा लिया तो खुद को, मैं रास्ते से हट गया था। तो अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक दानियाल, मेरा मशवरा ये है पहले तुम रिदा से खुद बात करो और बाद में प्रपोजल भेज दो। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वाह, ये आज आपको क्या सूझे जो आपने इतनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है? बस मेरा दिल कर रहा था, निकाल ली। ये देखो, तुम्हारे लिए ये मैंने गोल्ड का सेट बनवाया है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो डायमंड्स का है ना, इसका मुझे सबसे अच्छी ये माथा पट्टी लगती है, लगा के देखो कितनी खूबसूरत लगेगी तुम पे। ये सेट मुझे इतना पसंद आया था मैंने ऑर्डर करवा दिया तुम्हारे लिए। इट्स ब्यूटीफुल। और ये जो कड़े हैं ना, पहन कर दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। और ये माथा पट्टी तो अम्मी बहुत खूबसूरत है, मैं सोच रही हूँ कि ये हम भाई की दुल्हन को दे दें, वो बहुत प्यारी लगेगी। और ये जो सेट है ना, ये हम भाई की दुल्हन को वो दिखाई पर दे देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हारा वक्त खैर खैरियत से जल्दी लेके आए, अपनी ज्वेलरी खुद पहनो तुम। आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने दानी भाई की दुल्हन के लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो ये बात है, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बनवा के रखा है, जब वक्त आएगा ना दिखाऊंगी तुम्हें। हो सकता है कि वक्त आ ही गया हो। क्या मतलब है? अम्मी अब आप देखें ना, मेरा एक ही तो भाई है और मैं सोचती हूँ कि इस घर में हम दोनों कब तक अकेली रहेंगी। आपको ये घर सुना सुना नहीं लगता? रफिया, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ पहेलियां से बुझवा रही हो, तो साफ साफ बताओ बच्चे तुम क्या बात करना चाहती हो। देख ले, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? भाई अगर डांट वाली बात हुई तो जरूर पड़ेगी डांट तुम्हें। वो अम्मी, मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद आई है, बहुत भोली सी है, मासूम है और बिल्कुल वैसी है जैसी आप बहू चाहती हैं। कौन है वो लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? अब अम्मी आपको रिदा तो याद होगी ना? रिदा? कौन रिदा? अब अम्मी वो जिसके फादर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। खबरदार जो आईदा तुमने ऐसा मजाक किया तो। अम्मी ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक नहीं है तो और भी ज्यादा बुरी बात है। अम्मी वो बहुत नेक लड़की है, बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। बड़े खानदान से ताल्लुक है, पूरे जहान में वो सिर्फ दो माँ बेटियां ही हैं। देखा था ना जब उनकी डेथ हुई थी, कितने रिश्तेदार थे उनके उसपे। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? रफिया इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इसकी इतनी हमायत क्यों कर रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस
वो मुझे अच्छी लगी थी। दुनिया भर की कवारी लड़कियां क्या मर गई हैं जो तुम्हें एक बेवा लड़की ही मेरे बेटे के लिए पसंद आई है? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के लिए ऐसी वैसी लड़की को पसंद किया तो। बजे की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम बजिया। क्या हाल है, कैसी हैं आप? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुमने ही मुझे याद नहीं रखा। कहाँ बजिया, मैं तो आपको फोन करती रहती हूँ ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आयजा का कहीं रिश्ता तो नहीं किया ना? नहीं आपा, लेकिन आजकल सीरियसली सोच रहे हैं उसके बारे में। एक दो प्रपोजल आए हैं उसके। फिलहाल तुम्हें कोई प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं। क्या क्या मतलब बच्चिया? बस मतलब मैं तुम्हें आके समझाऊंगी। अरे अब पाकिस्तान आ रही है, कब? मैंने समर से कहा है कि अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करें, जैसे ही उसकी छुट्टी कंफर्म होगी हम फौरन पाकिस्तान की टिकट्स बुक करवा लेंगे। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुना दी आपने, मैं तो शिद्दत से आपका इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, आयजा को बहुत प्यार देना, मैं आती हूँ तो फिर डिटेल से बैठ के बात करेंगे। जी बजिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और समर को प्यार दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बजिया और समर पाकिस्तान आ रहे हैं, लगता है किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं, और वो मकसद आयजा है मेरा ख्याल। रिदा तुम तो अपनी अम्मी को कॉल कर लो, परेशान हो रही होंगी खामखा। नहीं नहीं, कॉल करने की क्या जरूरत है, अम्मी आंटी परेशान हो जाएंगी ना, अकेली हैं वो, सिकंदर का सुन के परेशान होंगी। मैं छोड़ आता हूँ रिदा को। नहीं प्लीज, आप लोग परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कैब से ही चली जाऊंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हमारे होते हुए आपको कैब की क्या जरूरत है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, इट्स ओके। हाँ रिदा, तुम्हें कैब बुलाने की क्या जरूरत है, यह है ना, तुम्हें ड्रॉप कर आएगा। तुम जाओ, इस तरह सेफ भी नहीं होता। चलो अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। थैंक यू। आयजा तुम्हें सिकंदर बुला रहे हैं अंदर। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। चल। एक बात करनी है तुमसे। जी कहें। मैं देखो, मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ ना, उसको खुले दिल से सुनना। देखो मैं, मेरी बात का प्लीज गलत मतलब ना लेना, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, आई मीन इट। तुम जानती हो ना मुझे, मैं आपको अभी भी उतना ही जानती हूँ जितना पहले जानती थी। जो भी बात है जल्दी करें, लोग देख रहे हैं। सॉरी, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी से तुम्हें चाहने लगा हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। बस आप अपने होश और हवास में ये बात कर रहे हैं? आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की? आपको क्या लगा कि एक लड़की है जो गरीब है, मजबूर है, तो जो दिल चाहेगा वो बोलूंगा, जो दिल चाहेगा वो सोचूंगा? बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत मत समझो, जो आपने किया है वो गलत है,
ये हरकत प्रूव करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। देखो रिदा, मैं कब से तुमसे वही सवाल पूछती जा रही हूं, तुम हो कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, चुप करके बस एक जगह बैठी हो। रिद्धा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे बताओ तो सही, किसने तुम्हें क्या कह दिया जो अब तुम हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाह रही? मैं आपको बता तो दूं, मगर अगर आप नाराज हो जाएंगी। रिद्धा, मैं भला क्यों तुम्हारी किसी बात पर नाराज होंगी, तुम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जो आपके कजन है ना। मेरे कजन कौन? वो जो सिकंदर भाई के साथ होते हैं, जो अमेरिका से आए हैं। वो दानियाल? पागल लड़की, वो हमारे कजन नहीं है, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सॉरी, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? अच्छे आदमी नहीं है। क्या? मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। एक बार ना वो हमारे कॉलेज में ब्लड बैंक के साथ आए थे, जब पापा को पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा फिर उसने कहा क्या है तुम्हें, तुम मुझे ये बताओ। कल जब वो मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे। रिदा देखो, मैं भी दानियाल को बहुत अरसे से जानती हूँ, और वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता, इतना तो मुझे भी पता है। जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी। मैं आपसे कह रही थी कि आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी। रिदा, मैं नहीं हुई नाराज। तुम मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या दानियाल तुमसे शादी करना चाहते हैं? ये तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता है, इतना अच्छा लड़का है वो। रिदा, देखो तुम इस बारे में थोड़ा ठंडा होके सोचो, बहुत अच्छा लड़का है वो। हेलो वाह जी, अब अनजान भी बनना आ गया आपको। खैर, रिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब प्लीज मजीद कोई झूठे बहाने मत बनाओ। उसने बता दिया तुम्हें सब? तो वो मेरी दोस्त है दानियाल। सॉरी। अच्छा खैर, बताओ क्या इरादे हैं, अब शादी कब कर रहे हो? शादी? अम्मी ने इनकार कर दिया है। व्हाट? लेकिन क्यों? आयजा, मैं आके बताऊंगा सब। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन ना लो, और तुम्हें आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और भाई अभी आते हैं। तुम लोग यहाँ? हाँ तो, और हम नहीं आ सकते? तुम्हारे कुछ लगते हैं या नहीं?
तुम्हारा हाल पूछने आएंगे। नहीं नहीं, मैं तो यही बोल रहा था। बिल्कुल तुम लोग आओ, अपना ही घर है तुम लोगों का। ओके, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, फिर मैं भाई से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके ओके बाय। मम्मी आप भी चले ना मेरे साथ। नहीं भाई नहीं, मुझे इस मामले से दूर ही रखो, ये माँ बेटे का मामला है। अच्छा, तो मतलब आप दानियाल को अपना बेटा नहीं समझते, बस ऐवी बातों बातों में उसे बेटा बोलती रहती हैं। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स मत बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। मम्मी सोचना क्या है, बस तैयारी करें, चलते हैं। आयजा अब इतनी भी भगदड़ ना मचाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो, तुम्हारे पापा से बात करने दो बेटा। मम्मी पापा को अभी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उन्होंने कौन सा कभी हमें रोका है वहां जाने से। फिर भी बेटा बताना तो पड़ेगा, और रेदा की माँ भी तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। खाली शहनाज भाभी को मनाने से क्या होगा? शहनाज आंटी मान जाए तो उन दोनों को मनाना मेरा काम है। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है बेटा, तुम अपनी प्लानिंग किए बैठी हो, मुझे पहले तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, और फिर जाने से पहले जैनब बहन से भी बात करके जाऊंगी मैं। लेकिन मम्मी जैनब आंटी से क्यों, पहले शहनाज आंटी तो मान जाए। आयजा वो बेटी की माँ है, और बेटी के रिश्ते की बात उसके कान में डालना जरूरी है, समझी तुम? बात तो सुने, खैरियत है? अकेली कहाँ से आ रही हैं आप? वो अकेले कहीं भी ना आया जाया करें, जमाना बड़ा खराब है। हम भी फारिगी होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। कसम से हम बड़े शरीफ लोग हैं, ओ आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। अरे बात तो सुने, कुछ जवाब तो दें। मोहल्लेदार होने की हैसियत से आपका हम पर भी तो हक है, क्यों भाई? हम भी फारिगी होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। हमसे भी काम करवा लिया करें, यहीं बैठते हैं रोज। बात तो सुनो। अरे यार यार, देखो शनास, देवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हजरत खदीजा से किया, हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। अम्मी जान, आप एक दफा नफीसा आंटी के अंदाज पर गौर तो करें, उनकी तरह सोच कर तो देखें। रफिया, क्या तुम नहीं जानती हमारा खानदान, हमारी बिरादरी बेटे हमें जीने नहीं देंगे? वाह अम्मी वाह, आपका खानदान और बरादरी, जहाँ छोटी छोटी कम उम्र कवारी लड़कियों की शादी किसी शादीशुदा बूढ़े शख्स से करना जुर्म नहीं समझा जाता, और जब हमारी ही बरादरी का कोई मर्द किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करता है तो हमारा खानदान उसे जीने नहीं देता, ये किस तरह का खानदान है? शहनाज, हमें खानदान और बरादरी को देखने के बजाय अपने बच्चों की खुशियों को देखना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को देखना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अरे ये लोग तो हमें समझाते हैं, मेरी अपनी सोच कुछ अर्सा पहले बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, लेकिन आयजा और सिकंदर ने मुझे समझा समझा कर मेरी सोच बदल दी। अब मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सोचती हूँ। और हाँ, इस मामले में भी आयजा ही मुझे मना कर लाई यहाँ पर। क्या आयजा? हाँ शहनाज, मेरी आयजा जो खुद दानियाल को दिल जान से चाहती थी, उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने अपने आप को समझा कर रिदा से उसको शादी करने की इजाज़त दे दी। मेरा मतलब है कि अगर आयजा अपने बचपन की मोहब्बत की जगह रिदा को खुशी खुशी कबूल कर सकती है, तो तुम तो दानियाल की माँ हो, तुम्हें तो उसकी खुशी का ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। पर भाभी, वो सिर्फ दो औरतें हैं, उनके तो खानदान का भी अता पता नहीं है, और तो और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। अम्मी जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये बच्ची रिदा मुझे पहली नजर में बहुत प्यारी लगी थी, मेरा तो दिल किया था कि
इसे अपने सिकंदर के लिए मांग लो। मतलब भाभी आपने फौरन ही फैसला कर लिया, यानी कि आपने उसकी बेवकी का भी। उसकी बेवकी तो कुदरत का फैसला है शहनाज, उसकी खूबियां तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी जैनब के घर जाओ और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाओ। ठीक है, मुझे आप लोग ना कुछ सोचने का मौका दें। सारी रात नफीसा आंटी और मैं मम्मी को समझाते रहे हैं, लेकिन वो हैं कि अपनी जिद। हाँ, मम्मी भी रात से बहुत परेशान है, इसलिए हमें एक रात और रुकना पड़ा कि हम शहनाज आंटी को थोड़ा और समझा दें। लेकिन वो तो यही कह रही हैं कि रिदा को तो हर किस अपनी बहू बनाने पे। मैं रिदा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें दुखी देखकर मैं खुश तो नहीं रह सकती ना? मेरी हजार जिदें, मेरी जान पर कुर्बान। मेरा क्यों? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, पाप रखे। वाह भाई, क्या बात है! मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। खुश हो ना? बहुत। बस मेरे लिए यही बहुत। आप लोग भी सब खुश हो ना? बैठो। हाँ बैठो मेरा बच्चा, बैठो। मैं नहीं मानूंगी। तुम कैसे नहीं मानोगी? मोहब्बत अपना आप मनवा कर रहती है। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? जब चाहने वाला अपने जज्बात में सच्चा हो तो वो अपने महबूब के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी कर सकता है। तुम देखना, दानियल आएगा और उसके हाथ में गुलाब का फूल होगा और वो इस तरह तुम्हें कहेगा, I love you रिदा, Will you marry me? अरे दानिल, तुम कब आए? अभी आया। मैं जब रिदा को ये 100 गुलाब दे रहा तब आया हूँ। यार तुम बहुत लकी हो। Congratulations, good luck। क्या हुआ, कहीं तुम हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर गए? एक गुलाब का फूल मैं तुम्हारी तरफ से रिदा को दे रहा था, ये देखना कि दानिल ये गुलाब का फूल लेकर आएगा और तुम्हें प्रपोज करेगा। मेरी तरफ से क्या? रास्ता दीक्षा। रिदा, मेरी बात सुनो। मेरा दिल तो बेटी को देख देख के इतना खुश हो रहा है, माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। मतलब आप लोगों का इरादा वापस जाने का ही है। जाहिर है बेटा, ये लोग बरसों से वहीं रह रहे हैं तो इनका यहाँ सेटल होना तो मुश्किल है ना? जी आंटी, कारोबार भी वहीं पे सेट है और सच पूछे तो वहीं पे रहने की आदत है। चले, हम भी फिर कुछ सोचते हैं। भाई मैं तो अपनी बहन और बहनोई के घर पे उस वक्त तक सवाल डाल के बैठी रहूंगी जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे। भाई साहब, आपने तो हमेशा मुझे बड़ी बहनों का दर्जा दिया, क्या आप मेरा मान नहीं रखेंगे? भाई कभी बहनों का मान नहीं तोड़ता, बस अल्लाह की रजा चाहिए। बाबा हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ।
शादी से ज्यादा शादी के फंक्शन अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा तो क्या ख्याल है फिर? सोचते हैं। कितने बोर हो तुम सिकंदर, आज भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी दाने आ। मोहब्बत और जंग में सब जाहिर है। मैं अपने आप को एक्सक्यूज करता हूँ। तो बेटा मैं सब देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। मैं आप कब बात करेंगे ज़ैनब आंटी से? इस मौके की तलाश में हूँ, हो सकता है आज ही बात करूँ। चलें भाई रस्म नहीं शुरू करनी, आओ ना नफीसा, पहले तुम आओ मेहंदी लगाओ अपनी बेटी को और दुआएं दो। जी बजिया। जीती रहो। देखो समर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आयजा को आंखों में बसा कर रखो और दिल से लगा के रखो। जाना रस्मों के लिए? अरे नहीं बेटा, ये रस्म सिर्फ सुहागने करती हैं। मम्मी क्या हो गया, मैं इन फिजूल बातों को नहीं मानता। बस बेटा ऐसा ही है। रिदा तुम भी आओ ना। नहीं मुझे नहीं आना। क्या मतलब रिदा, आओ आ जाओ बेटा। एक मिनट। ये रस्म सिर्फ सुहागने करती है और तुम बेवा हो, और सुना है तुम्हारे सुहाग की उम्र भी एक रात थी। ना बाबा ना, तुम्हारा तो साया भी मैं आयजा पे ना पड़ने दूँ। बेटा प्लीज, जब तक इसकी शादी नहीं होती इससे दूरी रहना। बच्चा क्या कह रही हैं आप? खाला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ लोग चाहे जितनी भी तालीम हासिल कर लें, जितने भी मॉडर्न हो जाए, बेशक चाहे यूरोप में जाके आबाद हो जाए, उनकी सोच उनके ख्यालात हमेशा छोटे ही रहते हैं। नियाल, मैं सोच रही हूं कि सोनिया आयजा की सास बनने वाली है, उस बच्ची का गुजारा वहां कैसे होगा? मैं सोच रहा हूं कि ज़ैनब आंटी और रिदा पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। सोच रहे होंगे कि हम यहां पे आए क्यों। बहुत बुरा सलूक हुआ उनके साथ। मैं क्या आपकी सोच भी सोनिया आंटी जैसी तो नहीं? मैंने जो सोचना था सोच लिया,
क्या सोचा है? यही कि अब रिदा वाले मामले को खत्म होना चाहिए। अम्मी अम्मी रुके, मुझे बताएं क्या करने जा रही हैं आप, क्या सोच रही हैं, मुझे कुछ बताएं तो सही आप। देख लोगे क्या करते। मैंने आपसे कहा था ना कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये बदनसीबी को हमेशा मेरा ही कसूर समझेगी। ने सुना सुनिया आंटी ने क्या कहा? बेटा उसका तो दिमाग खराब है, उसने जो कुछ भी कहा है गलत कहा। नहीं, गलत नहीं कहा, उन्होंने ठीक कहा। मैं ही मनहूस हूँ, सब कुछ मेरी ही मनुष्यत की वजह से होता है। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरा साया भी आयजा पर नहीं पड़ना चाहिए। खबरदार जो तुमने आइंदा अपने आप को मनुष्य का, तुम मनुष्य नहीं हो। ये लोग जाहिल है जो ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह की खसब से भी डर नहीं लगता, जो भी मुंह में आता है बस बोल देते हैं लोगों के लिए। यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना माँ, प्लीज चलते। ठीक है बेटा, ठीक है हम चलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, बैठिए। परेशान मत हो, तुम्हारे हक में जो अच्छा होगा आंटी वही फैसला करेंगी। यार अगर अम्मी ने कोई गलत बात की ना, मैं कसम खा के कह रहा हूं मैं कल की फ्लाइट से अमेरिका चला जाऊंगा, किसी को शक्ल तक नहीं खाऊंगा यहां पे। तुम तो कह रहे थे तुम अमेरिका नहीं जाओगे, फ्रीज करवा रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर, अब जाने की बात कर रहे हो। यार मैं रिदा के बगैर नहीं रह सकता, और रिदा को ऐसे तकलीफ देकर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। रिदा बेटा, इतने थोड़े वक्त में तुम्हें यह तो पता चल गया होगा कि दुनिया कितनी बुरी है, और तुम्हारा वास्ता बुरे लोगों से ज्यादा और अच्छे लोगों से कम ही पड़ा होगा। आप ठीक कह रहे आंटी, अच्छे लोग वाकई बहुत कम। हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है जी? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे अपनों की तरह। आप लोगों ने हमारे दुख बांटे हैं, वरना आज तक हमसे जो भी मिला है उसने हमें दुख ही दिया है। शुक्र है कि आपने हमें अपना तो कहा। अब पता नहीं रिदा बेटी हमें अपना समझती है कि नहीं। जी देखो बेटा, मुझे ज्यादा लंबी तमीदें नहीं बांधनी आती, और ना ही कुछ बनावट की बातें करनी आती हैं। तुम मेरे दानियाल की पसंद हो, और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती। शहनाज बहन की? हाँ। आप बहन कह तो रही हैं, अब बहन बन के भी दिखाएं। वैसे जैनब बहन, ये कोई वक्त ऐसी बातें करने का था नहीं। मैं और नफीसा भाभी खुद अपने दानियाल का रिश्ता लेके आपके घर आना चाहते हैं, लेकिन आज ये जो कुछ हुआ है ना, इससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है। मैं रिदा बेटी को जल्द से जल्द अपनी इज्जत बनाना चाहती हूँ, अगर इसको मेरा दानियाल पसंद हो तो। Thank you.
बहुत अच्छा लड़का है। ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने इतनी मोहब्बत और इज्जत से हमारी विदा का रिश्ता मांगा है। लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि मैं रिदा से बात कर लूँ, उसकी मर्जी भी मालूम कर लूँ। जरूर, यह आपका हक है ज़ैनब। आप ज़रूर रिदा से पूछिए, मशवरा कीजिए और जो भी बात हो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी होगी सही हो। अगर रिदा बेटी ने हमारे हक में फैसला दिया मैं बहुत जल्द रस्म कर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बेटी का घर एक बार फिर मिल जाए, वो आबाद हो जाए। समर अहमद, वल बशीर अहमद, बाईवज, हक महर 20 लाख रुपए, टिक्का और आजल वक्त निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह ताला सब खैर करेगा और आप देखिएगा रीता के नसीब भी बहुत अच्छे होंगे। क्या करूं बेटा, दिल बहुत सहमा हुआ है, किसी पर एतबार करने से डरता है। आंटी आप रोएं तो मत। चलें जी दुआ कर लें। ठहरिए काजी साहब, एक निकाह और पढ़वा दीजिए। सिकंदर बेटा आओ। अपने दोस्त को स्टेज पे लेकर चलो। चलो बेटा। तारी साहब, मेरी एक और बेटी भी है जिसे मैं इतनी ही मोहब्बत और दुआओं के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। दानियाल आओ। बिस्मिल्लाह करें तारी साहब, दूसरी बेटी का निकाह पढ़वाएं। आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। खुदा ने सुन ली मेरी, पा लिया मैंने तुम्हें। उसका जितना भी शुक्र अदा करूं ना मैं, कम है। पता मैं जितनी मोहब्बत करता हूं ना तुमसे, उससे कई ज्यादा इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे।
ये तुम छूना नहीं। क्यों ये मैं तुम कहा ना छूना नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल ही नहीं किया तो फिर तुम शादी से इनकार ही कर देती। मैं दो माओं का दिल तोड़ने का हौसला नहीं रखती, ना मैं आपकी माँ को मायूस करके उनकी खुशी छीन सकती थी और ना ही अपनी माँ को रोता हुआ देख सकती थी। तुमने सिर्फ उनकी खुशी की खातिर मुझसे शादी की। निकाह का मतलब जानती हो तुम? पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को अपनाना, उम्र भर के लिए अपना आप दूसरे को सौंप देना, ये मुआहदा किसी तीसरे की खुशी के लिए नहीं किया जाता। जानती हूं। अगर जानती हो तो इस रिश्ते की बुनियाद बेईमानी पे क्यों रखी? बेईमान नहीं हूं मैं। तो फिर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखो तुम्हें मुझे अपना शौहर तस्लीम करने में जितना भी वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तब तक मुझे अपना दोस्त तो मान सकती हो ना? और तुमने मुझसे कुछ भी शेयर करना हो, अपनी खुशी गम, तुम दिल खोल के कर सकती हो। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम सारी जिंदगी भी मुझे अपना दोस्त ही रखना चाहो तो मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। अरे अब की बार छू तो उसे छूना मत समझना, दोस्त की तरह तो हाथ मिला सकती हो ना मुझसे। ये बिना बात हाँ ये ना हमारे
खानदानी कंगन है, अब इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। रफिया चाय देने के लिए आने वाली होगी, इसलिए देखो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में जो मुआहदा हुआ है वो किसी तीसरे को पता चले। दोस्ती के नाते इतना तो कर सकती हो ना तुम, प्लीज। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती। अरे नहीं नहीं ज़ैनब बहन, कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये मेरी बहन है नफीसा और ये इनकी मुंह बोली बहन ज़ैनब। ताया जान, आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात भी होगी और वो भी ऐसे खुशी के मौके पर। मैं तो खुद हैरान हूं तुम दोनों को यहां देख, मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां इस तरह मुलाकात होगी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम आपस में रिश्तेदार हैं। अरे वाह, आप लोग रिश्तेदार हैं, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। वो भाभी और फरिया नहीं आई? असीमा फरिया के पास दुबई में रुक गई थी, नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैं तो तारुफ ही कराने में लग गई, मुझे तो पहले आपको गेस्ट रूम दिखाना चाहिए था। बिल्कुल आप आराम कीजिए, आइए। भाई साहब चले आइए प्लीज। आइए ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूर बातें मत सोचो रेदार, क्यों वहम कर रही हो तुम? वहम नहीं कर रही मैं, कुदरत एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुमने दिल में खुद बिठाया हुआ है। साइम का मेरे लिए जुनून, आपकी मोहब्बत की शिद्दत, साइम का मेरी वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर देना और आपका भी मेरी ही वजह से अपनी पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जाने से इनकार कर देना, मेरे और साइम की गैर तयशुदा शादी होना और आपके साथ भी इस तरीके से शादी हो जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपको पता है बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही मैं और साइम भी अपने वरीमे के जोड़े खरीदने गए थे। ये सब इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना। देखो जिस तरह कुदरत ने साइम को तुमसे अलहदा किया शायद उसी तरह हम दोनों को मिलाना चाहती है। कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। कुदरत तुम पे मेहरबान है रिदा, मेरी आंखों में देखो जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं, देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते और ना ही उनकी मोहब्बत, कहीं मेरी नहुसत का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अच्छा अगर तुम्हारे सारे खौफ सारा डर दूर हो जाए जिसे तुम नहुसत कहती हो वो मेरी खुशबख्ती बन गई तो क्या तुम कुदरत की तरह मुझ पर मेहरबान हो जाओगी? भाभी हमने पार्लर जाना देर हो रही है। हाँ चलो। मैम आप बिल्कुल रेडी हैं और आपके भाई काफ़ी टाइम से नीचे वेट कर रहे हैं और आप चाहें तो आप नीचे चले जाएं, जैसे ही उनकी ज्वेलरी आएंगी हम उनको पहना कर रेडी करके नीचे भेज दें। क्या कहती हो रिदा, मैं चली जाऊं? भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। जी जी तुम चली जाओ। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफी खराब है आज। मैं कर लूंगी मैनेज, तुम जाओ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर जा रही हूँ। मैम आपका फोन। एक्सक्यूज मी मैम आपका फोन। ले आओ। मेरा फोन। सॉरी सॉरी भाई, गलती हमारा है, मैं जरा परेशानी में हूँ, मैं आपकी गाड़ी का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा का शुक्र करना चाहिए कोई कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो आनी आनी चीज़ है, आप जाएं, कोई बात नहीं। ठीक करो भाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान है।
हेलो। हाँ रिदा, तुम तैयार हो तो रिसेप्शन पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आई, बस अभी आई। शुक्र अल्लाह। सुने वो आ गए हैं, प्लीज आके जल्दी रहिएगा। कितनी देर से आपने मेरी कोई कॉल भी रिसीव नहीं की, मुझसे बात नहीं की, क्यों? वो क्या जानते हैं? अगर आप नहीं आते तो क्या होता? क्या होता? मैं मर जाती। कैसी बातें कर रहे थे? तेरे मर जाने अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि देर क्यों हो गई थी। अच्छा लगना ना ये। बहुत खूबसूरत है। अच्छा बताए ना क्या हुआ था। एक ना बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। हादसा? वो मैं आ रहा था ना तुम्हारी तरफ, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था। मैंने सोचा एक शॉर्टकट लेता हूँ। वो रास्ता खराब था, काफी अंधेरा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी ना मेरी गाड़ी के साथ टकराई। लेकिन शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, मरते मरते बचे। बस प्लीज आगे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। आपको कुछ हो जाता तो आपसे पहले ही मर जाती। क्या क्या हो गया? ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो ऐसा ना करो तुम्हें, प्लीज। आप वादा करें, वादा करें कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मेरे लिए अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अब तो रखूंगा। वैसे ये शर्मिंदगी और दुख की बात है कि तुम एक डॉक्टर होते हुए एक इंसान को मरता हुआ छोड़ गए। अगर तुम बहसीयत डॉक्टर उसकी मदद करते तो वो शायद इतनी बेबसी की मौत ना मरता। लेकिन मैं तुम्हें साइम की मौत का कसूरवार नहीं समझता। तुमने उसे कुछ नहीं किया, गोली तो उसे कोई और लोग मार के गए थे। मारने वाले तो मार कर चले गए थे यार, लेकिन मदद तो उसने मुझसे मांगी थी। वो बेबसी की मौत सिर्फ मेरी वजह से मरा है। वो कैसे? यार वो गोली लगने के बाद जिंदा था और मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसे मुझे सब कुछ भूल भाल के उसकी मदद करनी चाहिए थी। हालांकि अम्मी हॉस्पिटल में थी, फिर भी रफिया थी उनके पास, उनकी जान बचाने के लिए कई डॉक्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन साहिब उस वक्त सड़क पर अकेला लाचार, जरूरत थी उसे मेरी,
लेकिन मैं सिर्फ एक जज्बाती बेटा होकर वहां से भाग गया। एक फर्ज था मेरा, एक फर्ज था मेरा डॉक्टर की हैसियत से, वही भूल गया मैं। एनीवे, जो होना था वो हो गया, दुख और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। साहिम की मौत का दुख मेरे लिए एहसास जुर्म बन चुका है। मुझे लगता है कि रिदा का मुजरिम मैं हूं। दानियल, तुम रिदा के मुजरिम नहीं हो, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ तुम, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें और रिदा को मिलाना ही इसी तरह था। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें जैनब आंटी और रिदा की जिंदगी में भेजा ही इसलिए कि तुम उनके दुखों का मदावा कर सको। अब तुम उनका बहुत ख्याल रखना, देखना अल्लाह ताला तुम्हारी ये छोटी सी भूल माफ कर देगा। मेरे इस दानिस्ता जुर्म को छोटी सी भूल तो ना कहो ना यार। तो फिर तुम क्या चाहते हो दानियाल? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता। दानियाल, दानियाल तेरी बात तो सुनो। सॉरी यार, मैं बहुत परेशान हूं, सकता मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, सॉरी। दिन ढल गया है लेकिन दानियाल ने मुझे फोन नहीं किया। बैठा हुआ होगा वहां बीवी और सास के घुटने से लग के। अम्मी जान अब क्यों परेशान हो रही हैं? भाई आ जाएंगे। तुम देख लेना, वो नहीं आएगा आज। उसको वो रोक लेगी, जैनब उसको नहीं आने देगी, वही रोकेगी उसको। अम्मी जान जैनब आंटी उन्हें क्यों रोकेंगी? अच्छा चले मान लिया वो रोक भी लेती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो भाई की माँ जैसी हैं। क्या मैं हूं उसकी माँ? जैनब नहीं उसकी माँ। हद हो गई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो नहीं आई। उसकी माँ ने उसको रोक लिया होगा ना, तुम्हें भी रोका होगा, रुक जाते ना। माँ क्या हो गया आपको, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? क्यों रिदा और जैनब आंटी से बदगुमान हुई हैं? लो, मैं क्यों उनसे बदगुमान होंगी? तो फिर ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं? दो दिनों से आप इतने गुस्से में, इतना क्यों बदल गई आप? मैं बदल गई हूँ? मैं या तुम बदल गए हो? दो दिन में तुम तो बिल्कुल बीवी के होके रह गए हो, माँ को बुला ही दिया तुमने, और मुझे कहते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ, मैं बदगुमान होती हूँ। आप सिर्फ बदगुमान ही नहीं, फहमी भी हो गई हैं। वहम का कोई इलाज नहीं अम्मी। देखा तुमने, देखा तुमने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करके गया है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्से में रहती हूँ, मैं इस पे गुस्सा करती हूँ। ये दोनों माँ बेटियां तो बिल्कुल जादू करनिया है, जादू करती है मेरे बच्चे पे, बिल्कुल बदल ही गया है मेरा बेटा नहीं रहा। अम्मी जान आप क्या बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया आपने? मुझे भी लगता है भाई ने बहुत बदतमीजी की है। आप बिल्कुल जो है फिक्र मत करें, मैं भाई की अभी क्लास लेती हूँ। मैं बदल गई हूँ? मैं या तुम बदल गए हो? वो दिन में तुम तो बिल्कुल बीवी के होके रह गए हो, माँ को बुला ही दिया तुमने, और मुझे कहते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ, मैं बदगुमान होती हूँ। साहिम के नाहक खून के एक एक कतरे का हिसाब उसको बेबस करने में, उसकी जान लेने में, तड़पाने में जो जो भी शामिल है, उसको कभी खुशियां नसीब नहीं हो, कभी नहीं। भाई ये क्या पागलपन है, आपने स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी। मैं सर स्ट्रेस में था बस थोड़ा सा। वो तो आपके मुंह पे 12 बजे हुए और मुझे नजर भी आ रहे हैं, अब आप मुझे इसकी वजह भी बता दें। अब याद आया मुझे,
आपके साथ भाभी क्यों नहीं आई? भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं। भाई आप गिल्टी फील कर रहे हैं मगर क्यों? गई है दानियाल के कमरे में। तनी क्या बातें कर रहे होंगे दोनों बहन भाई। एक तो ये रिदा जब से हमारी जिंदगी में आई है मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर कर दिए इसने। एक तो दानियाल को भी देखो ना, इस बुरी तरह से रिदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। और राफिया उसको तो रिदा की हिमायत के अलावा काम ही कोई चेक करना पड़ेगा। और देर से बातें कर रही। तुम नहीं जानती मैं रिदा का कितना बड़ा मुजरिम हूं। उसकी पहली मोहब्बत, उसका शौहर, उसकी सारी खुशियां छीनने वाला मैं हूं। मैं जब हम रिदा का शौहर अपने वलीमे की रात एक सुनसान सड़क पर बेबसी से तड़प रहा था तो पुकारा उसने मुझे, इल्तजा की कि मुझे बचा लो, लेकिन मैं वहां उसको उसी के खून में लथपथ छोड़कर चला गया। इंसानियत की खिदमत करने का दावा करने वाला, कसम उठाने वाला यह डॉक्टर खुद एक इंसान को मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया। अगर उस रात मैं अगर रिदा के हस्बैंड को बचा लेता ना तो आज रिदा बेवा ना होती। ये जो जिल्लत उठाती है, वो जिस रुसवाई का सामना करना पड़ता है उसे, जो वो ताने सुनती है हर वक्त, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। साइन के खून के छींटे मेरे दानियाल के दामन पर है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
हैं आपके लिए गरम गरम चाय। रखो बेटा। बेटा दानियाल क्या कर रहा है? अम्मी भाई तो सारी रात से जाए नमाज पर बैठे हैं। हे अल्लाह, मेरे बच्चे को माफ कर दे, उससे क्या गलती हो गई है। बेटा जाकर जरा भाई को देखो। जी अम्मी, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्या बात करूं उससे? नहीं नहीं, मैं भी उससे बात नहीं कर सकता। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं रिदा के सामने अपना एक कार्य चुप कर लूं, और तुम उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत सलामत रखना। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? फिर इस बेरुखी की वजह? वो डिप्रेशन सा हो रहा है, तबीयत डाउन सी है बस। क्या इस डिप्रेशन की वजह मैं हूं? अगर ऐसा है तो मैं सॉरी कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। आप किस बात पे सॉरी करेंगे? प्रीतम, तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी है मुझे, अपने दिल की। नहीं, आज आप नहीं, मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। आज सिर्फ आप मेरे दिल की सुनेंगे। आप मेरी मोहब्बत में तड़पते हैं ना? आपकी पहली मोहब्बत मैं हूं ना? तो सुने दानियाल, पहले जितना आप मेरे लिए तड़पते होंगे, उतना ही अब मैं आपके लिए तड़पती हूँ। आपसे 2 ही दिन की दूरी ने मुझे ये समझा दिया है कि मोहब्बत की शिद्दत क्या होती है। महबूब की नाराजगी से दिल पर क्या कयामत टूटती है, ये मुझे कल से अब तक मालूम हो चुका है। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? जी दानियाल, आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आपकी मोहब्बत ने मेरे सारे पुराने घाव भर दिए हैं। आप ही मेरी जिंदगी हैं। आपकी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी है। तो याद रखिएगा, आपकी जरा सी खफगी मेरी जान भी ले सकती है। नहीं नहीं, तुम्हारी जान में तो मेरी जान है। तो फिर वादा कीजिए, वादा कीजिए कि आप मेरा कभी दिल नहीं दुखाएंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मोहब्बत से मेरा एतबार उठ जाए। वादा करें।
वादा करता हूँ। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं नहीं, इसका भरोसा मुझसे उठ जाएगा। फिदा जी, ये लो भाई, दो कंफर्म टिकट इस्लामाबाद की। नाउ वैसे तुम्हारी सादगी और भोलेपन पे ना हैरान हूं। सादगी? ये सादगी तो है, मम्मी ने तुम्हें ऑफर की खुली कि दुनिया में जहां मर्जी हनीमून मनाना चाहो तुम लोग मना सकते हो, लेकिन तुम कहां जाना चाहती हो? सवात, सस्ते में छूट गई अम्मी। ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सफर का आगाज आपके साथ पाकिस्तान की वादियों से करूँ। ओह स्वीट, आए बेचारा समर, वो भी सवात ही जाना चाह रहा था हनीमून के लिए, लेकिन वादी में वापस आना पड़ा उसे। लेकिन हम तो जा रहे हैं। जी जनाब, बिल्कुल हम जा रहे हैं, और हमारी फ्लाइट कल सुबह 10 बजे की है, इसलिए हमें आज रात ही सारी पैकिंग करनी होगी। परफेक्ट, और कुछ? हाँ बस तुम पैकिंग करो, मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठ जाता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा देर बैठे, और मैं बस अभी आई क्योंकि मैंने अपनी पैकिंग कर ली है और बस अब आपकी पैकिंग रह गई। हाँ, क्विक सर्विस। यस, तो जल्दी से आ जाएं, कपड़े सिलेक्ट कर लें और मुझे बता देंगे कौन से कपड़े लेकर जाने हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी पैक कर लो मेरे लिए, जो तुम चाहोगी मैं वो पहन लूँगा। ओके ठीक है, तो आप जाइए, मुझे पैकिंग करने दीजिए। ओके। आए भाभी, आए, आपका अपना घर है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। क्या देख रही हैं भाभी? हमारा ये घर कितना खुशियों का गहवारा होता था, हम सब कितने प्यार मोहब्बत से खुश खुश एक साथ रहते थे। मरने वालों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने घर की खुशियां तो वापस ला सकते हैं दोनों मिलकर। इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करते हैं कि कौन से वाला लेकर जाना है। स्टार्ट विथ दिस। ग्रे कलर अच्छा लगता है, इसके साथ पिंक शर्ट रखेंगे हम, और ये है ब्लू। ग्रे कोट तो कभी पहना ही नहीं, कमाल है, अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं कहाँ रखी हुई। ये क्या? Yeah.
ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस तुमने खरीदने से मना कर दिया था कि बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। ये कोट आपका है? हाँ, हाँ मेरा कोट है। क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या है? और ये दाग, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी का खून खुश्क होकर जम गया। ये कुछ अर्से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका खून है ये बस। ये खून आपका है? ये खून आपका है? और ये जिन किसकी है? और से देखिए, हाथ करिए। रिदा, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ये मुझे नहीं पता ये किसका लॉकर है, तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है और तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये मेरी चेन है। ये वो चेन है जो साहिब ने मुझे मेरी पहली रात को गिफ्ट की थी। चेन आपके स्कूल की पॉकेट से निकली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं पता ये। ना, दूर हटे, दूर, सब दूर। ऐसा नहीं है। क्या कहते हो? तो वहाँ पे गलत फहमी हुई है ऐसा? मुझे गलत फहमी हो रही है? मुझे गलत फहमी हो रही है? ये आपके कोटियों पर खून लगा हुआ है, मेरी चेन है ये आपके पास। मुझे नहीं पता ये चेन कहाँ है। आपने साहिब को मारा है ना? नहीं। कुछ भी नहीं है। रिदा, 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 कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मेरे पास हमारे खिलाफ प्रूफ है, जाके पुलिस को दूँ। मैं पुलिस के हवाले करूँगी। रास्ता छोड़ो मेरा।
मैं अपने घर जा रही हूँ। भाभी लेकिन अपने घर क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर जाना, छोड़ मेरा रास्ता। भाभी मैं आपको नहीं छोड़ दूंगा, अगर आपका भाई से कोई झगड़ा हो तो मुझे बताएं। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही तुम लोगों से और ना ही इस घर से, किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। आप ऐसे कैसे जा सकती है? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे बताएं, आपको भाई ने कुछ कहा तो मैं उनकी क्लास लेती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। कुछ झूठ है, सब कुछ धोखा है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबने मुझे धोखा दिया, कोई मोहब्बत नहीं होती, सब धोखा होता है, सब फरेब होता है। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी, भाभी अरे आ रहा हूं भाई, कौन आ गया इस वक्त? दरवाजा तोड़ोगे क्या? ठहरो। अरे रिता बेटे, तुम और इस वक्त दानियल कहां है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिता? भाभी, भाभी देखे, रिता मेरा बच्चा, क्या हुआ? इस वक्त तुम अकेली, हमारा दामाद कहाँ है? क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? तुम अकेली क्यों आई हो? दानियाल कहाँ है? वो सारी बातें यही पूछोगी क्या? अंदर तो लेके चलो बच्ची को। हाय मेरा तो दिल हौल रहा है, कहीं उन जालिमों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया इस वक्त ये अकेली। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी, क्या हुआ, क्या है? मैंने वो घर छोड़ दिया। रिधा, रिधा भाभी, रिधा होश में आओ, रिधा मेरी बच्ची, रिधा होश में आओ बेटा। पता नहीं इस वक्त वहां क्या हो रहा होगा, उसने घर जाके क्या कहा होगा। अम्मी होना क्या है, वहां भी परेशानी फैली हुई होगी, और मुझे तो आंटी जैनब की बहुत फिक्र हो रही है, उनके दिल को कितना बड़ा धचका लगा होगा। पता नहीं रिधा ने उन्हें क्या क्या बताया होगा। अम्मी आप प्लीज उनसे फोन पे बात करें प्लीज। बेटा क्या बात करूंगी फोन पे, सारी सूरत हाल बताएं उन्हें कि रिधा को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, आप सब कुछ जानती, मैंने आपको सब कुछ बताया तो था ना, प्लीज बात करें उनसे। नहीं नहीं भाई, अब ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती, पर दूसरी तरफ सुनने वाला शख्स बात का कुछ भी मतलब समझ सकता है और बात संभलने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। ऐसे संजीदा मामला तो फोन पर डिस्कस नहीं किए जा सकते। ठीक है हम चलते हैं, वहां जाके बात करते हैं, चले। रुको बेटा, रुक जाओ, मुझे मुझे थोड़ा सा कुछ सोच लेने दो। क्या सोचना है, सोच के क्या मिलेगा, जितना हम इंतजार करेंगे उतनी बात और बिगड़ जाएगी, वहां जाके हमें उन्हें सब कुछ सच बताना है, प्लीज अब चले ना। बेटा जो बात होनी होगी वो तो हो चुकी होगी, मेरा ख्याल है कि हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह को मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं खुद उनसे बात करूंगी, हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अम्मी जान सुबह तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? सुबह बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। बेटा मेरी जान तुम बिल्कुल मत घबराओ, मुझे पता है कि तुम सच्चे हो, हमेशा तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहेगा, मेरी दुआ है बेटा तुम्हें। डॉक्टर साहिबा इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, पर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर का हाई होना खतरनाक हो सकता है। ऐसी हालत मतलब? यू प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता? नहीं? हाँ मेरा तो यही ख्याल है, अभी शुरू के दिन है, फिर भी आप कल आके टेस्ट करवा लीजिएगा। अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतनी अच्छी खुशखबरी। भाभी खुशखबरी के साथ साथ बुरी खबर भी तो है, ला जाने इस दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं, चाहे इसके कि बच्ची की केयर करते हुए इस हाल से अकेली घर से निकाल। अरे भाभी मियां बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, अल्लाह खैर करेगा। जी 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 आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, इन दवाइयों में थोड़ी नींद होगी, अच्छा है वो सो ही रहे हैं, मेरे हाल से किसी स्ट्रेस में भी हैं, जरा आराम से गहरी नींद लेके उठेंगे तो अच्छा महसूस होगा। भाभी ये मुझे दीजिए, सईद को कहती हूँ व्हाट्सएप ला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको छोड़ा दी। वैसे दानियाल और रिधा तो अब तक इस्लामाबाद पहुंच गए होंगे। हाँ पहुंच गए होंगे, काफी टाइम हो गया अब तो। वैसे मजाल है उनकी कि एक कॉल कर लियो हमें।
दानियल बहुत ज्यादा खुश है इसलिए उसे याद नहीं रहा होगा। दानियल, ये अभी तक यहाँ ही है? अल्लाह खैर करे, ये तो ये भी है। क्या हुआ दानियल, तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो? इस्लामाबाद होना चाहिए था। वहां जाना मेरी किस्मत में नहीं था यार। खैर तो है मजनू, क्या हो गया? सब खत्म हो गया। क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? रिदा चली गई। रिदा चली गई? कहाँ चली गई भाई रिदा? सब कुछ पता चल गया उसको, मुझे छोड़ के लिए हमेशा के लिए चली। क्या पता चल गया उसे, क्यों चली गई वो, मुझे भी कोई कुछ बता दे। अच्छा अच्छा, चलो इधर आओ, चलो रूम में चल के बात करते हैं। आओ। इसे बड़े ही अफसोस की बात है दानिया, तुम मुझे बचपन से अपनी दोस्त मानते आए हो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कभी शेयर ही नहीं की। क्या बताते हैं, जो होना था हो गया उस वक्त। मुझे क्या पता ये बात मेरी जिंदगी में इतना बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी। मेरी और रिदा के बीच में फासला पैदा कर देगी। आयजा, दानियल को नहीं पता था कि साइम रिदा का शौहर है। तो जब पता चल गया था तब तो मुझसे शेयर कर सकता था ना। उसी वक्त इसे कोई अच्छा सा मशवरा देती और ये नौबत ही ना आती। आयजा, इसने मुझे भी बहुत देर बाद बताया। अच्छा यार, नहीं बता पाए तुम दोनों को, सॉरी, माफ कर दो मुझे। माफ तो करना ही पड़ेगा, तुम खुद जो इतने बड़े दुख से गुजर रहे हो, वरना तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इस बात पे कभी माफ ना करती। आयजा, अब तुम ही हो तो इस मसले को सुलझा सकती है, प्लीज इसकी मदद करो। मैं यही सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। दानियल, तुम मुझे बताओ, जब से वो गई है तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? तुमने उसे कॉल की है? हाँ, कैसे कॉल करता मैं, बहुत परेशान था रात को और वो जैसे गई घर से। दानियल, क्या मतलब, किस तरह गई थी वो? मतलब कॉल तो करता है ना, ही करती है तुमने भी। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कोई मैसेज किया है एटलीस्ट? वाह, अभी इसी वक्त उसे मैसेज करो, एक मैसेज नहीं बल्कि बार बार उसे मैसेजेस करो, रुकना नहीं है तुम्हें। भाई साहब, ये उसे मैसेज कर लेता है, प्लीज तुम रिदा के पास जाओ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ उसके पास। भाई साहब, सिर्फ जाना नहीं है, उसे जाकर समझाना है, उसके दिल में लगी हुई गिरा खोलनी है तुमने, प्लीज। ऑब्वियसली आप वहीं जाओगे, आप तो दोस्त हूँ इसकी, इसका मामला तो हल करना है, वो भी मेरी दोस्त है। अच्छा भाभी, आपके दिल में जो भी बात है आप पहले मुझे बताएं और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि असल बात क्या है। असल बात सिर्फ इतनी है कि आपका भाई मेरे साइम का कातिल है, कत्ल किया है उसने मेरे साइम को। दानियल मेरे साइम का कातिल है? मेरे साइम का कातिल दानियल? भाभी, आपको गलत फहमी हुई है, भाई क्यों साइम का कत्ल करेंगे, वो तो साइम को जानते भी नहीं थे। कोई गलत फहमी नहीं हुई, और इसे गलत फहमी क्यों होगी? रिदा, अभी तुम यही कह रही थी ना कि मेरे साइम को दानियल ने मारा है, बताओ रिदा,
मेरे साइम को किसने मारा है? मुझे बताओ। भाभी, भाभी हौसला करे, रफिया से पूरी बात तो सुन ले। हो सकता है कि रिधा को कोई गलत फहमी हो गई हो। माँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। भाभी, भाभी आपको वाकई गलत फहमी हुई है। मैं आपको असल बात बताती हूँ। तुम चुप करो रफिया, तुम अपने भाई के बारे में सच क्यों बोलोगी? रिधा, तुम बताओ मुझे, मुझे सच बताओ, सच क्या है? मेरे बेटे को, तुम्हारे प्यार को किसने मारा है? बताओ रिधा मुझे। ताई अम्मी, मैं आंटी, वो महज एक इत्तेफाक था। जिस रात साइम की डेथ हुई, स्नैचर्स ने उसे शूट किया था। भाई इत्तेफाकन उसी सड़क से गुजर रहे थे और अम्मी की बहुत तबीयत खराब थी। मैं भाई को बार बार कॉल्स कर रही थी। भाई फिर भी साइम की मदद के लिए उतरे, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर भाई घबरा गए और उन्हें खौफ हुआ कि पुलिस वाले इस मामले में कहीं उन्हें मुलव्वस ना समझें और वो अम्मी तक ना पहुंच सके, इसीलिए वो वहां से चले गए। भाभी, इसके अलावा भाई की और कोई गलती नहीं है। तुम्हारा भाई वहां से गुजरा नहीं होगा, बल्कि उसने मेरे साइम को, मेरे बेटे को खुद अपने हाथों से शूट किया होगा। रिधा बताओ मुझे, यही हुआ था ना? यही सच है ना? रिधा तुम्हें साइम की कसम, बताओ मुझे सच क्या है? ये लॉकेट, मां, ये लॉकेट साइम ने मुझे गिफ्ट किया था हमारी पहली रात को। वो यही लॉकेट बनवाने गया था मां। ये लॉकेट मुझे दानियाल के खून आलूद कोर्ट से मिला है। खुद बताएं, आप बताएं मुझे, क्या मतलब है इस बात? क्या मतलब समझूं मैं इस बात? मैं ये ना समझूं कि आप झूठ कह रही हैं। मैं यकीन कर लूं आपके भाई पे या आप पर? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं। ये लॉकेट? हाँ माँ, यही लॉकेट। ये लॉकेट तो मेरे साइम ने तुम्हारे लिए बनवाया था। साइम, 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 मेरे बेटे का कातिल मिल गया। साइम, 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 मेरे बेटे का कातिल मिल गया। जल्दी शिकार। ओह प्लीज, इनको पहले ऐसे चली जाना। किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। बात इनको पहले चली जाए, प्लीज प्लीज चली जाए यहाँ से। मार मुकामे तू बुक क्या क्यामत टूट पड़ी नसीमा के तुम वॉशरूम का दरवाजा पीट रही हो? क्यामत ही तो आ गई है सही साहब, हमारे साइम के कातिल का पता चल गया। What? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ सही साहब। ये देखिए, ये वही चेन और लॉकेट है ना जो साइम ने वेडिंग पर दिया था रिधा को। देखिए गौर से देखिए इसे, उसने ये लॉकेट हम सबको कितनी खुशी खुशी और कितने फखर से दिखाया था। बड़ा खूबसूरत पहने। जाहिर है मैंने दिया, सूरत तो हो गया। Diamond, very expensive. मेरी दुल्हन से कीमती तो कुछ नहीं है ना, बस मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी दुल्हन को एक खास तोहफा दूं। मैंने खुद डिजाइन करवाया। कैसा है बाबा?
बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। वाकई बहुत खूबसूरत। साइम का कातिल कोई और नहीं, दानियाल है। दानियाल ने मेरे साइम को कत्ल किया है। ये कैसे हो सकता है नसीमा? हमारे साइम को दानियाल ने कत्ल किया है। भाई सोचिए आप, वरना रिदा की मोहब्बत आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके और रिदा के दरमियान जुदाई आ जाएगी। अब दानियाल और रिदा के दरमियान कभी जुदाई नहीं आ सकती, क्योंकि कुदरत ने इन दोनों को हमेशा मिलाए रखने वाले को भेज दिया। किसे किसे भेज दिया? मुबारक हो दानियाल, तुम बाप बनने वाले हो। क्या वाकई? वाकई रफिया आंटी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कह रही हो तुम? मेरे अल्लाह, ये तेरा करम है, तेरी ही मेहरबानी है। बेटा, तुम्हारे एहसासे नदामत ने रब की रहमत का दरवाजा खटखटा ही दिया ना। बेटा, उसकी तवज्जो से अब तुम्हारे सारे मामलात खुद ही तय हो जाएंगे। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी रिदा के पास जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। दानियाल, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम मेरे मम्मी पापा के साथ चले जाना। ज़ेनब आंटी ने उन्हें आज बुलाया है। हौसला। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि आपको तो उससे इतनी नरमी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। जब हमें पता चल चुका है कि वो हमारे बेटे का कातिल है, तो उससे बात करने की जरूरत क्या थी? तुम नहीं जानती नसीमा, कुछ काम हिकमत से करने पड़ते हैं। जिनसे नफरत हो उनसे हिकमत या मोहब्बत कैसी? वो अब हमारी रिदा का शौहर भी है। वो हमारे साइम का कातिल भी है। मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है नसीमा, वो ऐसा लड़का नहीं है। साइम की मौत में उसका कोई हाथ नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे बेटे को मरता हुआ वहां छोड़कर खुदगर्जी से चला गया। क्या उसका फर्ज नहीं था कि वो मेरे बेटे को बचाता, हॉस्पिटल लेकर जाता? दानियाल की जगह कोई और होता तो कभी हमारे बेटे की रुककर बात भी ना सुनता। क्या तुम जमाने को नहीं जानती? मेरा दिल नहीं मानता सईद साहब, वो कहानी सुना रहा है बस। मेरे बेटे का मुजरिम वही है। अभी वो मुजरिम नहीं है नसीमा, अभी उस पे सिर्फ इल्जाम है। सही या गलत होने का 50-50 चांस है। अच्छा, आपने अपने घर में खुद ही अदालत लगाई? लोग आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और आप अपना फैसला सुनाएंगे उनको? मेरा बेटा नहीं रहा, उसके कत्ल की बात हो रही है, क्या मैं अदालत लगा सकता हूँ? आपको सिर्फ सजा सुनानी चाहिए। मुझे सोचने दो नसीमा, अभी तो मैं खुद परेशान हूँ। जब मेरा दिल किसी बात पे मुतमिन होगा तब मैं कोई फैसला करूँगा। सोचते रहिए।
आपसे तो समझदार रिदा है जो अपना फैसला कर चुकी है। रिदा क्या फैसला कर चुकी? वही जो उसे करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या फैसला किया है रिदा ने? उससे पूछे बगैर उससे कोई मशवरा भी नहीं किया और उसने कोई फैसला भी कर लिया? मुझसे मशवरा किया था उसने। यकीनन तुमने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया होगा उसे। वो दानियाल से तलाक लेना चाहती है। क्या तलाक? हाँ। मैं उसे दरगुजर करने के लिए कांटों की सेज पे चल के आया हूँ याज भाई, और उसे माफ करने के लिए मुझे पुल सिरात से गुजरना होगा, और मेरे ये जख्मी पाँव मुझे किसी अजियतनाक सफर की इजाजत नहीं देते। अंकल आपकी ये सजा उसके लिए जानलेवा साबित होगी। वो बरजख में लटक जाएगा। जमीर की चोटों से उसका जिस्म ही नहीं उसकी रूह भी शल हो चुकी है। बेटा कुदरत जब किसी को मसीहाई के अजीम मनसब पर फाइज करती है ना, और वो किसी मरने वाले की दुआ करने की बजाय उसे मौत की तरफ धकेल दे, तो उससे सवाल तो बनता है ना। जमीर की चोटें उनका मुकद्दर तो बनती हैं। अंकल उस वक्त अगर वो पुलिस सायरन की आवाज ना सुनता तो वो साइम को गाड़ी में लेटाने ही वाला था। उसी वक्त उसके कोट पर उसके खून के निशान लगे थे। बस गलती ये थी कि वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर घबरा गया कि कहीं पुलिस उसे साइम के कत्ल का जिम्मेदार ही ना ठहरा दे। और उस वक्त उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी, उनको हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी था अंकल। लेकिन दानियाल ने एम्बुलेंस को कॉल की थी और उसे यकीन था कि उसे बरवक्त हॉस्पिटल ले जाएगी। बेटा उसने आधा फर्ज निभाया था, आधी सजा तो बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दानियाल के दामन से साइम के खून के छींटे साफ कर दिए। बस अब रिदा उसे माफ कर दे तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी, वरना तो वो सूली पर लटकता रहेगा। बेटा मैं जाके रिदा से बात करता, अगर रिदा ने माफ कर दिया तो चलता। ये देखो बेटा, मुझे इस खुशी से महरूम मत करो। प्लीज आप ऐसा तो ना करें। रिदा अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना। प्लीज प्लीज है बहन, रिदा को कुछ मत कहिए, बच्ची भी नादान है, कुछ मत कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आके बैठो। आओ बेटा। अच्छे वक्त पर आए हो, हमारे साथ चाय पियो। बेटा वो साथ तुम्हारे मेरी चाय पड़ी है, मुझे पकड़ा दो और यहाँ से अपने ले लो, बिल्कुल फ्रेश बनी है। जी। ये दूध मैं अपनी बेटी रिदा के लिए लेकर आई हूँ, स्पेशल बनाकर जाफरान डालकर। सोचा आज अपनी ताई अम्मी के हाथ से दूध पी ले, ससुराल जाकर तो सास के हाथ से ही पीना है।
ताईजान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं। शाबाश, पियो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं बेटा पियो, शाबाश, फिनिश करो इसको। जेदा, बेटा तुम आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सैयद साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? इतने अरसे बाद बेटी अपने घर जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप उल्टा रोक रहे हैं उसे। जरूरी बात है तो बाद में आएगी, फिर कर लीजिएगा। नसीमा बहन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर भाई साहब इतने मान से अपनी बेटी को एक रात के लिए रोक रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, रोक लें। रिदा बेटा, आज आप इधर ही रहो, कल आ जाना। शुक्रिया बहन, कल मैं खुद आऊंगा रिदा को लेकर, बल्कि जैनब और नसीमा हम सब आएंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग जरूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। जी अंकल, जैसे आप कहें। अच्छा रिदा, तुम अपना ख्याल रखना, हम कल डिनर साथ करें। ज़ैनब, रिदा को कमरे में ले जाओ, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बिस्तर पे लिटा दो। रिदा, क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहे हैं। आओ चलो चलो कमरे में लेके चलो, आ जाओ, उठो उठो। भाभी, ये अपने घर जाकर आराम करती तो ज्यादा अच्छी बात थी, दानियल खुद डॉक्टर है, यहाँ ज्यादा तबीयत खराब होगी तो। तबीयत खराब नहीं है रिदा की, मेरा ख्याल है टेंशन और बेरामी की वजह से ऐसा हो गया, इसे आराम करना चाहिए। आ, आ मेरा बच्चा, आ, ठीक। जी भाई साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए, चलें दानियाल बेटा। अंकल, वृद्धा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं रुक जाता हूँ आज। नहीं बेटा, हम देखभाल कर लेंगे उसकी, बस तुम रिदा बेटी का ख्याल रखना बात में। अच्छा नसीमा जी, आइए। अल्लाह हाफिज। रिदा का ख्याल रखिएगा। जी जी, आप भी फिक्र रहिए। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। सईद साहब, आपने जो भी रिदा से बात करनी थी कर लें, जिस वजह से आपने उसे ससुराल जाने से रोका। देखो नसीमा, एक बात तुम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि रिदा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, बेटी है, जैसे फरिया मेरी बेटी। और जब मैं फरिया के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो रिदा के बारे में भी नहीं करूंगा, समझी तुम? कौन गलत कर रहा है आपकी रिदा बेटी के साथ जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम। पहले भी उसके बारे में बुरा सोचती और करती थी
और आज भी उसके बारे में बुरा करने जा रही थी। मैंने ऐसा क्या किया है? नसीमा, तुम रीता और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसकी कोख हमेशा के लिए बांझ हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम साइम की मौत का बदला ले सको और दानियाल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। ये सब क्या हो गया आपको? मुझे तो लगता है आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने दानियाल को तो माफ कर दिया है, लेकिन बेटे की मौत का सदमा फिर से जाग उठा है मुझे लगता है। चले, चल के आराम करें। आराम तो तुमने मेरा हमेशा के लिए छीन लिया है नसीमा। अगर अल्लाह को आज मेरी बच्ची की बेहतरी मंजूर ना होती तो तुम तो उसे दूध में जहर पिला ही चुकी थी। ताया जान, ये क्या कह रहे हैं आप? रिदा बेटा, तुम बताओ ना अपने तायाबू को, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुमने दूध पिया, तुम ठीक बैठी हो, ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए ठीक ठाक है कि जिस बुढ़िया में तुम जहर इसे दूध में मिला के पिलाना चाहती थी उसमें जहर था ही नहीं। मैंने उसमें नमक डाल दिया था। और तुम्हारी जहर वाली बुढ़िया ये रही मेरे पास। ये सब झूठ है, सब गलत है। आप अपनी भतीजी और भाभी के साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो ड्रामा आप रचा रहे हैं इस घर में, मैं कोई भी ड्रामा कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सईद साहब मेरी बेटी जैसी है। आप सबके साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैं फरिया से बात करके आती हूँ अभी। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। आप जैनब भाभी और रिदा के सामने क्या कह रहे थे? बड़ी मुद्दत के बाद सच बोल रहा था, तुम्हारे फरेब की हकीकत बता रहा था। और क्या कह रहा था? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रिदा को जहर क्यों दूंगी? क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, गलत फहमी। ठीक है, ठहर। लो ये पानी पियो, इसमें मैंने वही पुड़िया मिलाई है जो तुमने मुलाजमा को लालच देकर मंगवाई थी और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। और फिर जब वो पुड़िया तुम किचन कैबिनेट में रख रही थी तब भी मैंने देख लिया था। आपने? हाँ, मैंने देख लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे किचन तक आ गया था। जब तुम वो पुड़िया किचन कैबिनेट में रख कर गई तो मैंने उसे वहां से निकाल कर उसकी जगह दूसरी पुड़िया रख दी थी। हाँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। ना मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना उसके बच्चे को। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसके कातिल के बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। किसी को जिंदगी और मौत देने वाली तुम कौन होती? ना साइम को दानियाल ने कत्ल किया और ना ही तुम दानियाल के बच्चे को कत्ल कर सकती हो। ये सब अल्लाह के इख्तियार में और उसी के फैसले हैं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती नसीमा? सबने मिलकर आपके दिमाग में ये सब गलत बातें बिठा दी हैं। दानियाल ने मेरे बेटे को कत्ल किया है, वो मेरे बेटे का कातिल है। मैं दानियाल के खिलाफ जाकर थाने में खुद FIR कटवाऊंगी। मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है। ठीक है,
इत्तहामे कत्ल की मुजरिम तो तुम भी हो नसीमा। कल जब तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं भी वहां जाकर ये गवाही दूंगा कि तुमने रिदा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। आप मेरे शौहर हैं? शौहर ऐसे होते हैं? दुश्मनों के साथ मिलकर मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं आप? ये तो मेरा बेटा कत्ल हुआ और दूसरा आप मेरे सीने में खंजर खोप रहे हैं अपने हाथों से। नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं किसी को आप बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो इसलिए कि तुम हसद की आग में चल रही हो और तुम्हें हर कोई गलत ही नजर आ रहा है। मैं आपसे किसी किस्म की बात नहीं करना चाहती, मैं तन्हा हूं, मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, अब सब मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं है मेरा यहाँ, अकेली हूं मैं। बदगुमान शख्स हमेशा तन्हा ही रहता है और उसकी बदजनी न किसी को उसके पास आने देती है और ना ही खुद वो किसी के पास जाता है। ये चेक करो कितने क्यूट है। कितना क्यूट से छोटा सा। अम्मी ये फ्रॉक देखें कितनी क्यूट है। भाई अल्लाह बहुत खूबसूरत फ्रॉक है। तुमने सिर्फ फ्रॉक से नहीं है, कोई बाबा सूट वगैरह नहीं लिया? अम्मी जान मुझे ना भतीजी चाहिए, छोटी छोटी बच्चियां मुझे बहुत पसंद है। कह तो ठीक रही हो, बेटियां तो होती ही अल्लाह की रहमत है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। अरे फिक्र मत करे, बाबा की सारी शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। थैंक यू। भाभी आप ये फ्रॉक देखें कितना प्यारा है। नफीसा का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस अब जल्दी से तैयारी पकड़ें भाभी, रात को सिकंदर की एंगेजमेंट के लिए जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नफीसा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, ये अचानक सिकंदर की एंगेजमेंट, खैर तो है ना? फाइजा की फ्लाइट जो है वो चाहती है कि भाई की एंगेजमेंट तो उसके सामने हो जाए। भाई वो तो उसका हक बनता है। शहनाज भाभी जैनब बहन है करीब? हाँ हाँ मेरे पास ही हैं, मैं बात कराती हूँ। नफीसा का फोन है, सिकंदर की शाम को एंगेजमेंट हो रही है, बस यही बताने के लिए फोन किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। हाँ हाँ आप सब लोग उन्हें आना है। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे। रिक्वेस्ट की थी या मेरे लिए सजा तजवीज की थी? आप जो भी समझ लें। मैंने सोच लिया, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा वहां पे, लेकिन जाने से पहले क्या मैं अपने होने वाले बच्चे की शक्ल देख सकता हूँ? वादा करें कि उसके बाद आप मुझसे और वक्त नहीं मांगेंगे। वादा करता हूँ। आज ही अप्लाई कर दूंगा
जॉब्स के लिए होपफुली कुछ टाइम में मिल जाएगी कोई ना कोई नौकरी। मैं दुआ करूंगी आपके लिए। फोन आप अपना फोन भूल के जा रहे सारा वक्त अब हॉस्पिटल में गुजारना बंद कर दो। रिदा को तुम्हारी खास तवज्जो की जरूरत है इन दिनों में। अम्मी मैं तो आपकी बहू को खास तवज्जो देना चाहता हूँ लेकिन इनके नखरे खत्म नहीं होते। मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर। ठीक है बेटा। हाँ बेटा रेस्ट करो। देखो बेटा इसको वॉक पे लेकर जाया करो। अब तुम डॉक्टर हो, मुझसे बेहतर जानती हो कि इन दिनों में वॉक बहुत ज़रूरी होती है। बल्कि मैं कहती हूँ कि इसको कहीं घुमाने ले जाओ, जब जाएगी ना फ्रेश एयर में तो इसकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। जी अम्मी मैं ले जाता हूँ। चलिए आप दोनों बातें करें, मैं ठीक है। अरे मेरे ख्याल से मैं रिदा से जाके कहूँ कि वो शॉल साथ ले दी जाए, शाम में जरा ठंड हो जाती है। हाँ ठीक है रिजैनब, बल्कि ना रिदा को थोड़ा सा समझाना, उसको अपने शौहर के ज़रा करीब रहना चाहिए। वो इन दिनों में ज़रा लड़की की तबीयत थोड़ी बेजार सी रहती है, तो हमें इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर है। ठीक है मैं उसे समझा दी। नहीं आ गई। मैं कह चुकी हूँ ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फिर आप बार बार मेरे पास आने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं? तुम्हारा शौहर हूँ मैं, कोई दुश्मन नहीं हूँ। हमारा रिश्ता नहीं मुआहदा है, ये मुआहदा हमने अपनी माँ और होने वाले बच्चे के लिए निभाना है। जैसा तुम कह रही हो वैसे ही तो निभा रहा हूँ मैं। इतने महीनों में एक बार भी तुम्हारी दी हुई हद को पार किया मैंने? लेकिन आप हैं तो इधर ही ना, मेरे कमरे में, मेरे आसपास। आप नहीं जानते मैं आपको किस तरीके से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे जाने के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो चला जाऊंगा मैं। फिर सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी सबदिल और बेहिस होगी। क्यों अम्मी? मैंने ऐसा क्या किया? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम दानियाल के साथ कितना खुश हो और किस तरह की जिंदगी गुजार रही हो। अम्मी मैंने उसे तलाक नहीं ली, कहीं कम नहीं है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुनूं। शर्म करो, इतनी बेबाकी की जरूरत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे बाबा ऐसे थे और ना मैं ऐसी हूं। क्या क्या कमी थी मेरी तरबियत में, मेरी मोहब्बत में? क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि तुम लोगों से बुरा सलूक करो और
बदला लो। बदला लेने का सबक सिखाया है? साहिम की तड़प को नहीं भूल सकती, तुम उसको नहीं भूल सकती, उसको नहीं भूल सकती जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसकी मौत का फैसला अल्लाह ताला ने पहले से ही लिखा हुआ था। उसकी तड़प में तुम अपने मिजाजी खुदा को तड़पा रही हो, जिसके हकूक तुम पर पूरे हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या जवाब दोगी तुम अल्लाह को? मम्मी, मैंने अपने दिल को बहुत समझाया। तुमने वो क्यों ही अपने दिल को नहीं समझाया? मैं क्या करूं, मेरा दिल उसकी तरफ मायल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो उसे, कल चलो मेरे साथ घर। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उस माँ का क्या कसूर है जिसका बेटा तुम उससे जुदा कर रही हो? तुम अपने बच्चे को तो बाप की शफकत के बगैर पाल ही लोगी, लेकिन उस माँ का क्या कसूर है? उससे क्यों उसकी ममता पर जुल्म ढा रही हो तुम? देखो, देखो मेरी बात गौर से सुनो। मैंने और तुम्हारे बाबा ने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से तुम्हें पाला है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारे बाबा को हमसे जुदा हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उस मुख्तसर अरसे में तुमने भी यतीमी की अजियत सही है। जानती हो ना तुम इस अजियत को? जानती हो ना तुम? जानती हूं अम्मी। बाबा तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूले। लेकिन तुम भूल गए कि एक बच्चे को उसके बाप की शफकत से तुम दूर रखोगे तो जवान होकर वो तुमसे कड़ा हिसाब लेगा, कड़ा हिसाब लेगा। मैं प्लीज ऐसा ना कहे बेटा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, दानियाल की अच्छाइयों के बारे में सोचो। उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए नेमत है, उस नेमत को अपने आप से दूर मत करो। ना याद रखना, वो एक बार चला गया ना तो तुम सारी जिंदगी रोओगी, पछताओगी अपने इस गुस्से पे किए हुए फैसले पर। मैं आखिर क्यों रोऊंगी उसके लिए? इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, शदीद मोहब्बत करती हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, ये सब इस बात की गवाही देते हैं। देखो बेटा, उसका वजूद तुम्हारे वजूद में है। इस प्यार को मत को सोचो इस बारे में, सोचो इस बारे में, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। सोचो। ये कोई तरीका नहीं है दानियाल, तुमने मुझे बताए बगैर ही सब कुछ कर लिया। तुम्हारी बेटी सिर्फ 1.5 माह की है और तुम अमेरिका जा रहे हो। मैं इसी के लिए तो जा रहा हूं बाहर, ताकि इसे अच्छा फ्यूचर मिले। इतनी अच्छी जॉब ऑफर में ठुकरा नहीं सका। भाई, आपको यहाँ पैसों की कमी है जो आप डॉलर्स कमाने बाहर जा रहे हैं। पैसे बेटा
तुम्हें किसी भी ऑफर या प्रेशर में आकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है दानियाल, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ। ओह शहनाज रुको। भाई भाई प्लीज मत जाओ, हम सबको आपकी जरूरत है। मैं कमिट कर चुका हूँ। फिर भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, आप अपने कमिटमेंट पहले भी तोड़ चुके हैं और किसी की मोहब्बत ने आपको जाने नहीं दिया, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? अब की बार मेरे जाने में मेरी मोहब्बत की मर्जी भी शामिल है। ठीक है, अगर आप दोनों राजी हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मामा का बहुत बहुत ख्याल रखना। दानियाल, मैं आपकी बेटी का ख्याल तो रख लूंगी। ये बहुत छोटी है, आप चले जाएंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं फकत जात हूँ, हर जमाना है तू, इत्तेदा भी